हमें स्थापित होना है और स्थापित होने के लिए हमारे मित्र लोग हैं उनके साथ रहेंगे तभी तो स्थापित होंगे हम, कि हम कहीं अमेरिका हमको ले जाके बसा देगा तो हम लोग वहां पे स्थापित हो जाएंगे। जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस वाली बात भी कहते हैं, कुछ की बिजनेस का हवाला देते हैं कि यहां क्या करेंगे आप बिजनेस। मैं बताना चाहता हूं, ठीक है आज हमारा जैसा भी बिजनेस है, हो सकता है कि हमारा आज अगर 20 है तो कल 19 हो जाएगा, वहां जाने के बाद 18 हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारी समरसता है, हमारा जो दोस्ती है, सुख दुख में जो साथी है, वो तो नहीं हटेगा ना। पैसा, पैसे वालों को तो आप जाके देख लीजिए, अरबपति बसते हैं दिल्ली में, बसते कि नहीं बसते हैं, एक एक करोड़पति बसते हैं हम लोग, जिनके सामने कुछ भी नहीं है, जितनी हमारी सालाना की कमाई होगी उनकी एक दिन की कमाई होती है। लेकिन जाइए प्रोसेस पूछ लीजिए, भाई साहब जानते हैं क्या कौन रहता है इस घर में, नहीं बता पाएगा। ये अंतर है शहर में और हमारे इस टाउन में, ये हमारा जो है शहर कम गांव, दोनों चीज यहां मिलन है हमारा, दोनों गांव और शहर का मिलन हो करके ये शहर बना हुआ है। आप जब सड़क से निकलते होंगे तो आपको कम से कम 10 लोग तो मिलते होंगे जो बोलते होंगे भैया नमस्ते, क्या आज भैया, क्या नारायण भैया, क्या प्रिंस भैया बोलते हैं ना। अब बड़े शहर में चले जाइए, अनजान जगह में चले जाइए, आप कुत्ता नहीं पूछेगा। अपनी पहचान रखनी है तो अपने को एकजुट होना पड़ेगा, हमको अपने साथ वाले लोगों को भी रखना पड़ेगा, हमारे साथ जो जुड़े आसपास के गांव के लोग उनको भी साथ में रखना पड़ेगा, जो खिरवा से आता है, जो पिड़ताली से आता है, जो चतरी से आता है, जो चुनकी से आता है, ये भी तो हमारे ही मित्र है ना। कोई दूध देने आता है, कोई मजदूरी करने आता है, कोई मिस्त्री करने आता है, कोई ड्राइवर बन के गाड़ी चलाने आता है। हम इतने दूर चले जाएंगे तो क्या वहां पहुंचेंगे ये लोग, नहीं पहुंचेंगे, तो इनका भी रोजगार भी जाएगा और अपना जो संबंध है वो भी जाएगा। तो हमें अपने आप को एकजुट होना है, एकजुट करना है और आने वाले समय के लिए तैयार रहना है। ये ना सोच ले कोई कि एक साल के अंदर पैसा मिल जाएगा। और मैं उनको भी कान खोल के बताना चाहता हूं कि जो बैढ़न, गोरवी, बरगवा, अनपरा, रेणुकूट, चौपन, बनारस से लोग आकर के यहाँ पे मुआवजा के लिए मकान बनाए हैं, वो लोग चाहते नहीं है कि यहाँ पे तुरंत निर्णय हो, जो उन्हें पौने पैसे मिल जाए वो हमें मिल जाए और हम निकल लें, क्योंकि उन्होंने तो 1 लाख लगाया है, वो देख रहे हैं कि साल दो साल के अंदर 3 लाख हो जाएगा, वो तो व्यापार करने आए हैं, तो वो उनकी भाषा वही चलेगी कि नहीं ऐसा है, ये तो विस्थापन रोकने में लगे हुए हैं, ये संगठन गड़बड़ कर देगा, किस प्रकार से भी आपको बहलाया जाएगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि सिंगरौली की जनता के साथ कभी विश्वासघात नहीं होने दिया जाएगा, सिंगरौली की जनता को पूरा पूरा अधिकार दिलवाने का काम किया जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी भूमि का जो भौतिक सत्यापन या नापी बोलते हैं वो कल से चालू हो जाए, चाहते हैं क्या आप लोग? इसीलिए हम लोग बैठे हैं आज कि आप लोगों से यही चर्चा करनी है कि हम लोग कल जब एंसल प्रशासन से मिलने जाएं तो उनको हम बता दें कि सिंगरौली की जनता इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं है। हम अपना सब कुछ देने को तैयार हैं लेकिन आप अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एनसीएल नहीं, गरजू हम हैं अपना देने के लिए, हमें गरजू नहीं बनना है। यहां रहेंगे तो हम लोग का चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पैसा तो आना जाना है। आज अच्छे अच्छे लोगों को आप लोगों ने देखा है जीवन में, कल तक जो करोड़पति थे आज रोड़पति हो गए, जो रोड़पति थे वो करोड़पति हो गए। तो पैसा था, पैसा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि पैसा आप अगर आपको एनसीएल से 2 करोड़ मिल जाएगा तो 2 करोड़ में होता क्या है, 4 करोड़ मिल जाएगा, कोई बोलेगा 10 करोड़ मिल जाएगा। हाँ उनकी बात छोड़िए जो 50 करोड़ वाले हैं, कुछ है इक्का दुक्का 2-4 लोगों के अलावा, लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या है वह किसी की 50 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 1 करोड़, यही मिलना है। 1 करोड़ 2 करोड़ की औकात क्या है, मैं दिल्ली नहीं कहूंगा आपको, आप बैढ़न में जाके देख लो कि 2 करोड़ की औकात क्या है। 5 डिसमिल जमीन बाजार में नहीं मिलेगी आपको 2 करोड़ में, जान लीजिए 40-40 लाख रुपए डिसमिल का रेट हो रखा है, और हमारे यहाँ क्या रेट है जमीन का, अच्छे से अच्छा बाजार में चले जाइए 8 लाख 10 लाख रुपये होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं है? ये इसी का देन है एनसीएल का कि यहाँ पे विकास नहीं हुए, विस्थापन के नाम पे कई सालों से यहाँ पे ऐसा कर दिया
कि यहाँ पे हम लोगों का जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से भाव बढ़ना चाहिए था बढ़ा नहीं भाव। आज बड़ी विडंबना की बात है कि जिस बहन की हम आज बात कर रहे हैं जहाँ 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए स्क्वायर फीट में जमीन बेच रही है, जिसमें जमीन बेच रही है, 20 साल पहले यहां से सस्ती जमीन हुआ करती थी। वहां बैठन में कुछ भी नहीं हुआ करता था जो सिंगरौली के अंदर यहां पे हुआ करता था। तो हमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें एनसीएल को जगाने की आवश्यकता है, प्रशासन को चेताने की आवश्यकता है, अगर नहीं सुनेगा तो सुनाने की आवश्यकता है। पहले हम लोग उनको करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, नहीं तो ठोकेंगे, उससे भी गुरुज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पूरे जीवन की संपत्ति, हमारे पूरे जीवन का भाईचारा हम दांव पे लगा रहे हैं, और वो हमारे को हमारा हक नहीं बताएंगे, हमारे को हमारा अधिकार नहीं बताएंगे, ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए हम सबको अपने जो भी इष्ट मित्र हैं उनसे भी बातें करनी है कि भैया आपको भी चलना होगा, अगर आपको अपने मकान का अच्छा पैसा चाहिए, आपको अपना अधिकार चाहिए, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। जैसा हम लोगों ने 24 सूत्री मांग पत्र भी दिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने कोई जबरदस्ती मांग नहीं रखी है कि कुछ भी मांग लें हम। वो जो है कि कहते हैं ना कि वो प्रेमिका और महबूब की कहानी होती है, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ला दूंगा। तारे कभी कोई तोड़ के लाया है क्या? तो हम भी कोई तारे नहीं मांग रहे हैं, हम अपना जो अधिकार है वो मांग रहे हैं, चाहे वह मकान के रेट का बात हो, चाहे प्लाट के बदले पैसे की मांग हो, चाहे वह व्यस्क की तिथि निर्धारण करने की बात हो। अभी देखिए व्यस्क की तिथि वाली बात आ रही थी, इनका कहना है कि जो सेक्शन 9 जब लगेगा तो जो सेक्शन 9 जो लगा है उस स्थिति में जो व्यक्ति व्यस्क होगा, जो बच्चा आपका बालिग होगा, उसको वह लाभ मिलेगा। ऐसा क्यों भाई? यही आपके बगल में भैंसा मुड़ा खदान है अंबिकापुर के आसपास, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, उसमें आप जो है वहां तय करते हो डेट ऑफ अवार्ड को मांगते हो आप, जिस दिन डेट ऑफ अवार्ड होता है उस डेट में जो बच्चा व्यस्क होगा उसको मांगते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि धारा 9 लग गई। अब धारा 9 तो लगा दी मालिक आपने, धारा 9 आपने वार्ड नंबर 10 में भी लगाई थी, 10 साल लगा दिए आपने, पैसे देते देते अभी भी नहीं बटा है, अभी भी वहां पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। जो 10 नंबर वार्ड का 10 साल लगा दिए तो 10 साल में तो बुढ़ा हो जाएगा वो, जो 18 साल धारा 9 लगेगी जब जाके, 28-30 साल का हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा उसका तब तक 10-5 साल का, तो इस प्रकार का नहीं चलेगा। इस दौरान धारा 9 लगने के बाद आप खुद देख लो, आप लोग बैठे हैं आस पास मोहल्ले में शहर में कितनी मृत्यु हो चुकी है, कितने बुजुर्ग जा चुके हैं, कितनी जवान मृत्यु हो चुकी है। तो जितना लेट करेगा उसको तो उतना विकेट गिर रहा है ना, बुरा मत मारिएगा मेरे शब्दों का, उसके लिए तो हो रहा भैया 15 लाख 20 लाख जो भी देना है वो तो कम होता जा रहा है ना उसका। और व्यस्क कम मानेंगे वो लोग, व्यस्क मानेंगे धारा 9 को। क्यों मानेंगे धारा 9 को? व्यस्क तब मानना है जब आप अवार्ड पारित कर देंगे। ये क्या गलत डिमांड है क्या हम लोगों की? जायज डिमांड है ना। बात करते हैं कई लोग हम लोग को ज्ञान देते हैं, अरे आप लोग कैसा इतना मांग रहे हैं 25 लाख रुपया, एनसीएल कहां से देगी आपको 25 लाख रुपए? एनसीएल के पास इतना कोयला नहीं है जमीन के अंदर कि आपको पैसा दे देगी इतना। ये सब कौन बोलता है जानते हैं? जो एनसीएल वाले सिखा के टट्टुओं को भेजे है ना बीच बाजार में, वो दलाल बोलते हैं आकर के आप लोगों को कि एनसीएल कुछ नहीं कर सकती है, एनसीएल का घाटा हो जाएगा, एनसीएल ये जमीन को लेके नहीं, आपका तो बीना हो जाएगा, आपका तो परासी हो जाएगा सिंगरौली, मतलब ऐसा डराते हैं आपको कि लग रहा है आपको तो रोड पे आ जाएंगे कल से आप। ये सब गलत फहमियां फैलाई जा रही है। इस जमीन के अंदर अकूत भंडार है कोयले का, अगर ये हम जितना मांग रहे हैं उसका 5 गुना भी दे दें तब भी इनसे तो घाटा नहीं होने वाला है। ये सब जो बरगलाते हैं लोग ना कि ये महंगा कर रहे हैं लोग, 25 लाख मांग रहे हैं, बताइए कुछ भी मांग लेते हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। 25 लाख आप बगल के कोल फील्ड में दे रहे हो, कोल इंडिया में दे रहे हो, तो हमको नहीं दोगे क्या? हम लोग साला मंगल ग्रह से आए या कहीं और से आए हम लोग कि हम लोग को नहीं दोगे है? हम तो नहीं बोल रहे कि महानदी कोल फील्ड में आप 2-2 डिसमिल पे नौकरी दे रहे हो, हमको भी दे दो। जो जायज मांग है वही मांग हम लोग कर रहे हैं, उन मांगों का समर्थन भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग मजबूत हो सके।
और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे मंडोली के यहाँ लोग बैठे हैं तो उनसे भी मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों की कल चर्चा हुई आपस में बैठ के हम लोग के संगठन की, कि जब तक पहले उसको क्लियर करो तब ना आगे बढ़ोगे। अभी उसको तो क्लियर किए नहीं, वहां तो पैसा पूरा बांटे नहीं, वहां पे जमीन अलग मकान अलग, मकान पे ब्याज नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भैया मकान पे ब्याज, क्यों नहीं दोगे तुम? नहीं दे रहा है, बोलते हैं तो मंत्रालय में भेजे हैं इसके लिए, चार साल हो गया। ऐसा कौन सा मंत्रालय है कि चार साल में जवाब नहीं आया आप लोगों के पास? मंत्रालय से जवाब क्यों आएगा? जवाब किसका भेजता मंत्रालय जानते हैं आप? जिसमें कहीं संशय होता है उसका जवाब मंत्रालय भेजता है। जो क्लियर कट लार में लिखा हुआ है कि देना है इस चीज को, तो आप दो ना, कौन मना कर रहा है? उसका भी जवाब मांग रहे हो। दो और दो चार होता है सबको मालूम है ना। अब आप भेजोगे प्रिंसिपल को लिख के क्वेश्चन, क्या सर दो और दो चार होता है? बोलेगा क्या बेवकूफ आदमी है यार, जिसमें क्लियर लिखा है मैथ की किताब में दो प्लस दो इक्वल टू चार, और आप हमें से दोबारा पूछ रहे हो कि दो जो चार होता है? जो लार एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, एकदम साफ सब स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसको जो भी है पहले साल 9%, उसके बाद 15% के हिसाब से उसको देना है। तो खाली भूमि मान करके भूमि को दे दिए, मकान मकान के ऊपर नहीं दिए, तो नहीं दिए तो लॉस किसका हो रहा है? हमारा ही ना हो रहा है। तो ये सब लोग, ये सब चीजों को भी हम लोग को रखना है। हम लोग को पहले यही बात करना है कि पहले तुम वार्ड नंबर 10 वाला क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं स्थापन के लिए, देशित के लिए, लेकिन अपने अधिकारों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम भीख मांगने नहीं आए हैं आपसे, अपने अधिकार मांगने आए हैं। और किसी ने खूब कहा है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को छीनना पड़ता है। तो छीनने के लिए तैयार रहिए आप सभी। हो सकेगा तो हम लोगों को एनसीएल का घेराव करना पड़ेगा, खदान भी बंद करनी पड़ेगी। ये मत सोचिएगा कि हम घर बैठे बैठे हो जाएगा। अगर हम ये सोच लें अरे प्रिंस भाई या लोग भाई ये कर लेंगे, तो ऐसे हर कोई सोचेगा ना, एक दूसरा हर कोई ही सोचेगा। मगर टंडन जी बोलेंगे अरे है ना पंडित भैया लोग हैं, देख लेंगे यार, नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने आप को आप खाली सोचेंगे कि मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये हर कोई जब सोचने लग जाएगा कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितनी बड़ी आबादी हो जाएगी। तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा और किसी भी परिस्थिति में हमें टूटने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में बरगलने की आवश्यकता नहीं है। बरगलाने वाले लोग आपके पास आएंगे, कोई बोलेगा कि आपको पैसा इतना नहीं मिलेगा, इतना पैसा आप मांग रहे हैं नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा कि वो संगठन वालों की सीएमडी के साथ सेटिंग हो गई, उन लोगों ने सेटिंग करके अपना काम निकलवा लिया है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब बनावटी बातें हैं खाली समाज को तोड़ने के लिए। ये सब टूटने से बचने के लिए हम लोगों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। मैं किसी का यहाँ, हम लोग किसी कोई अन्य संगठन का विरोध हम लोग नहीं करने आए कि हम किसी संगठन का विरोध करने आए। हम लोगों का एक ही मांग है, चाहे वह एक्स वाई जेड कोई क्यों ना हो, सब कोई आए और सिंगरौली के हित की बात करें। सिंगरौली के हित की बात करेंगे, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको गले लगाते हैं। लेकिन आप अगर कूट रचना करके सिंगरौली की जनता के साथ छल करने का काम करेंगे तो हम लोग भी बख्शने वाले नहीं हैं। 100 दिन सुनार की तो 1 दिन लोहार का भी होता है। तो इसलिए ये ना सोचे कि हम कुछ भी परपंच कर लेंगे। किस प्रकार से रातों रात उन्होंने दस्तावेज तैयार किए हम लोग नहीं जानते क्या? अपने बीच के लोग हैं, नहीं बोलते हम लोग भाई चलो सम्माननीय है, वरिष्ठ हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए सबको। आज हम भी चाहते हैं, हम लोग भी कल बैठक है तो हम लोग भी जाके बैठक कर लेते, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया नहीं, पहले पब्लिक मीटिंग बुलाई जाए, पब्लिक को बतलाया जाए कि कैसे क्या है, इन 3 महीनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना चक्र घटे इस 3 महीने के अंदर। अब हमें कल बैठक में जाना है तो क्या हम लोग इस मुद्दे को लेके जाएं या ना जाएं? कल को आप लोग ये ना बोल दें कि आप लोग स्वयं चले गए और हमारा नुकसान कर दिया, क्योंकि कल अगर हम लोग जाएंगे तो यही बात करेंगे कि पहले वार्ड नंबर 10 का जो पेंडिंग मामला है उसको खत्म करो और दूसरा यहाँ का ब्लूप्रिंट बताओ कि शहर के लिए आप क्या कर रहे हो, शहरवासी के लिए क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, तब आगे बढ़ो।
ऐसा थोड़ी ना है कि आप निकाल दिए पेपर में कि कल से नापी होगी तो नापी करने देंगे। नापी नहीं होगी जान लीजिए एकदम। मैं भी बताता हूँ, कोई आप अगर आप घर में जबरदस्ती आता है तो उसको डांट के भगा दीजिएगा और हम लोग को फोन करके सूचना भी कर दीजिएगा ये यहाँ पे आया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पहुँच करके उसको समझा भी देंगे। अगर जिस दिन पिक्चर क्लियर कर देगा तो हम लोग सहर्ष तैयार हैं। आप लोग आइए, नापिए, जो बनता है दीजिए, हम लोग भी जय श्री राम करते हुए निकल लेंगे, सलाम नमस्ते करते हुए निकल लेंगे। लेकिन आप चाहोगे कि हम लूट लें, लूटने नहीं देंगे हम। आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है कि कभी भी हम लोग अगर इस प्रकार की सूचना डालते हैं कि ये मत सोचिएगा कि सूचना हम चार दिन पहले डालेंगे। कोई भी सूचना अगर कोई इस प्रकार की आती है तो एकाएक की सूचना आ सकती है, बैठक की सूचना हो सकती है, कहीं घेराव का सूचना भी हो सकता है। हो सकता कोई अधिकारी एनसीएल का आ रहा हो जो दो घंटे के लिए आ रहा हो यहाँ पे, उसको घेरना है तो हम चार दिन पहले आपको कैसे बता देंगे? दो घंटे पहले, दो घंटे के लिए एनसीएल आ रहा हो या एक दिन के लिए आ रहा हो तो हम तो सूचना तत्काल देंगे, आओ भैया चलो बड़ा अधिकारी आ रहा घेरना है। तो अलर्ट मोड पे सबको रहना है और अपने हक को पाने के लिए जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे। मैं इसी सभी बातों के साथ आप सभी का फिर से सहयोग चाहते हुए आप सभी को जो यहाँ पे सिंगरौली की चिंतन करने वाले लोग बैठे हैं मैं उनको दोनों हाथों से नमन करता हूँ कि आप लोगों ने सिंगरौली का चिंता करते हुए अपने इस व्यस्ततम समय से आपने समय यहाँ पे दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सिंगरौली के असली हितेशी अगर कोई है तो आप यहाँ बैठे हुए लोग हैं। बाकी जो हितेशी हो सकते हैं लेकिन अगर समय में नहीं आएंगे तो हमारा संगठन कमजोर होगा, हम लोग कमजोर होंगे। उस चीज को आप लोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा रहता है तो हम लोग सबको एक दो को जोड़ करके साथ में लेकर के आना होगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बंटी भैया। इस सिंगरौली की सभा में आए हुए सभी सिंगरौली के गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में बैठे हुए आरपी जिद्दी जो मेढ़ौली से भी हैं और ये मुआवजा भी इनको मिला हुआ है 10 नंबर वार्ड से, तो उसका दुख दर्द इनको भलीभूत पता हुआ और अपनी समस्याओं को रखते हुए पब्लिक को अपनी बातें बताएं। सभी को जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा सत्सत प्रणाम और नमन है। मैं मेढ़ौली से हूँ, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कई आंदोलन मेढ़ौली में हुए और उसका हम लोगों ने अगुवाई भी किया। जैसा अभी बंटी भैया बता रहे थे कि संगठन की आवश्यकता क्यों है, अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया दुधी चुहा और जयंत को लेकर के, तो दुधी चुहा में संगठन तैयार नहीं था, मेढ़ौली में संगठन नापी के समय हम लोगों ने नापने वालों को दौड़ाना शुरू किया, कहीं इधर दुबे जी के घर की तरफ और नंबरिंग कर रहे थे तो उनको दौड़ाया, फिर नापी कर रहे थे फिर उनको दौड़ाया, करते कराते क्योंकि दोनों जगह जो सेक्शन 9 लगी थी केवल 4-5 महीने का अंतर था, तो वो चाहते थे कि वैसे ही निपटा दें। और सही बात बताएं, मेढ़ौली का भी मुआवजा 10 लाख रुपए हेक्टेयर ही बना था जो कि नगर निगम का रेट नहीं था, उन्होंने लमसम एक रेट बना दिया था। तो जब दौड़ाना चालू किए हर जगह से नापी का विरोध होने लगा, उनको भागना पड़ा। एनसीएल की सबसे बड़ी जो कमी कहिए या वाहवाही लूटते हैं, एक सादे रजिस्टर में नापी करते हैं और आपको कुछ बताएंगे नहीं, ना आपको कोई प्रमाण देते हैं कि हम नापी कर रहे हैं, और वो सादे रजिस्टर में लिख करके आपसे साइन करा लेंगे और ले जाएंगे। आप अभी सोच रहे हैं कि नापी हो जाएगा, नापी हो जाता है, इसके बाद वो अपने ऑफिस में ले जाके उसकी कितनी कटनी छटनी करते हैं ये आपको नहीं पता, और काट छाट के उसका रेट जब लगा देंगे उसके बाद एक लमसम नोटिस आपको पकड़ा देंगे और बोलेंगे कि ये आपका पैसा है आके ले जाइए। मेढ़ौली में गणना पत्र 3 साल लोग मांगते रहे, गणना पत्र तक नहीं मिला। तो उस समय तो ये दौड़ते दौड़ते नापी पूरी इनकी नहीं हो पाई तो समय लग गया, इस बीच में इनका मुआवजा 2014 में बन के तैयार भी हो गया।
2014 में तैयार हुआ तो उस समय विरोध चालू हो गया, आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग गए भी थे मढ़ौली गणेश मंदिर के पास, हड़ताल हुआ था। उस मढ़ौली गणेश मंदिर के हड़ताल के चलते इनका भुगतान नहीं हो पाया और इस दौरान जो है लार एक्ट आ गया। 2015 में सितंबर में इनका लार एक्ट आ गया, जिसके चलते इनको जो है उस हड़ताल की वजह से, और मार्केट के काफी लोग उसमें थे उस हड़ताल में, उसके बाद हेडक्वार्टर में हड़ताल हुई तो वहां भी जो है लोगों ने खूब साथ दिया। इसके चलते एनसीएल को वहां का मुआवजा वितरण करने में काफी दिक्कत आई और उस दिक्कत के चलते इनको रेट बढ़ाना पड़ा, और जब ये रेट बढ़ाने की बात आई तो फिर वही लार एक्ट में इनका मुआवजा बनना चालू हुआ। मढ़ौली में 4 बार मुआवजा रिवाइज हुआ है, ये जान लीजिए एनसीएल की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो लिखित में आपको कुछ भी नहीं देना चाहता, बस वो सादे पेपर में काम चलाता है कि हम ऐसे ही लोगों का ले लेंगे। तो फिर जब लार एक्ट आ गया उसके बाद वो फिर से रिवाइज करके मुआवजा बनाए और उनका डिटर्मिनेशन डेट, वो बोलते हैं अवार्ड नहीं बोलते, तो वो उनका 12/6/2017 को इनका डिटर्मिनेशन हुआ। और उसके बाद भी विस्थापित, जैसे अभी आप लोगों के बीच में चर्चा आ रही है कि पर बालिक व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा, जो भी मिले, मढ़ौली में वो भी निर्धारित नहीं था, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई तो 8,800 रुपए हुआ। लेकिन ये भी बता दें, आप ये मान रहे होंगे कि एनसीएल आपके घर के सभी बालिक व्यक्ति का नाम लिख लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मढ़ौली में केवल 1256 लोगों को बालिक माना, जबकि 4000 घर थे और एक घर में 4-5 बालिक तो रहे ही होंगे। तो 1200 हमारे घर में पिताजी को लेके 5 लोग, 5 भाई बालिक, 4 भाई और पिताजी 5 लोग बालिक थे, केवल मेरा नाम डाला। क्यों मेरा नाम डाला? क्योंकि हम हमेशा विरोध करते थे, इसलिए मेरा नाम डाल दिया, बाकी का नाम छोड़ दिया। तो इस तरह से एनसीएल काम करता है कि आपको रोक के बहुत सारी चीजें छोड़ के, और जब आप बात करने जाएंगे तो एनसीएल बोलती है कि आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। अब आप ये बताइए कि आप में से हर एक आदमी कोर्ट जा सकता है क्या? एनसीएल औने पौने चीज कागज में लिख देगी, इसके बाद एक ही बात बोलती है, भैया मैं तो सरकारी कंपनी हूँ, मैं आपका हक नहीं मारना चाहती, लेकिन आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कितने लोग कोर्ट चले जाएंगे? आपके पास कोई 10-20 हजार का वकील आप कर पाएंगे? उनके पास तो एक हेयरिंग का 5 लाख लेने वाला वकील है, तो आप जीत जाओगे क्या मुकदमा? कितने लोग गए हैं? कोई गया हो तो बताए हमको कि वो गया कोर्ट, और कोई गया भी होगा तो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि फलाने व्यक्ति गए थे, उन्होंने आदेश लाया, मैं पेमेंट कर दिया, आप भी ले आओ आदेश, आपको भी कर देंगे। तो हर व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए एनसीएल जो है हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करता है, एक एक आदमी को भड़का के काम करेगा और बरगला के काम करेगा, लिखित में उनका कुछ नहीं होता। तो अभी विरोध आप करेंगे तो हो सकता है जो रेट वो लगा रखे हैं वो और आगे चला जाएगा, अभी तो क्लियर ही नहीं है कि किस सन की गाइडलाइन को वो मानेंगे। और कोई जब तक उनके गाइडलाइन क्लियर ना हो जाए, विस्थापित किनको मानेगा, जैसा इन्होंने बताया डेट कौन सी मानेगा, मढ़ौली में 2011 का डेट माना, 20/10/2011 की डेट को माना बालिक, मुआवजा अभी तक भुगतान हो रहा है। दूसरी बात, वहां का 3 साल पूर्व का प्रमाण मांगा, वो डेट वो मांगा 18 वर्ष की आयु, लेकिन आपके पास प्रमाण होना चाहिए 3 साल पूर्व का, यानी कि अभी जो फरवरी में आपकी सेक्शन 9 लगी है उसके 3 साल पूर्व का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस तरह वो इस बात को छुपा के रखा है, अभी कह देगा कि मैं 12 फरवरी मान लूंगा, लेकिन 12 फरवरी केवल बालिक डेट है, वो डॉक्यूमेंट कुछ और मांगेगा, तो उनके पास क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों को वो पहले क्लियर करें फिर आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत कुछ डार्क में है, और जबकि लार एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक्ट को ये लोग
बहुत ही गलत तरीके से पढ़ते हैं, एक्ट को सही पढ़ते ही नहीं। मतलब जहां आपके लाभ की बात लिखी हुई है उस लाइन को साइलेंट कर देते हैं, केवल अपने लाभ की बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक्ट का पालन 100% हो, और जैसा उस एक्ट का नाम है कि पारदर्शिता, तो पारदर्शिता तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पारदर्शिता कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है और अंधेरे में रख के एनसीएम काम करना चाहती है। इसके बाद आप किसी मीटिंग में जाइएगा तो रोना क्या रोते हैं। मैं तो ऊर्जा, मतलब देश में ऊर्जा की सख्त जरूरत है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या बलिदान सिंगरौली के लोग ही ऊर्जा के लिए दे और उन्हें मिले कुछ ना, धूल यहाँ फांक रहे हैं, बाकी चीजें यहाँ झेल रहे हैं, और पैसा देने की बात आई तो आप सीएसआर में काम कहीं और कराओगे, सुविधाएं कहीं और दोगे, और कोयला यहाँ निकालोगे, मुआवजा देने की बात आएगी तो औने पौने दोगे। तो इनके रवैये ये ठीक नहीं है, इस पर सभी को संगठित रहना चाहिए, और आप लोग अपनी मांगों को सब लोग मिलकर जितना पुरजोर कोशिश करनी चाहिए वो करिए। और स्पष्ट रूप से मैं तो ये कहूंगा कि जिला प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन से एग्रीमेंट होना चाहिए, वरना ये हर मिनट्स में बदल जाते हैं। एनसीएल में आप मीटिंग करिए, बहुत सारे लोगों को मीटिंग का अनुभव है, वो जाते होंगे लिखित में कुछ और मिनट्स जारी करते हैं, दूसरे दिन कुछ और करते हैं एक ही मुद्दे को। हम लोगों के पास तो उनके 10-20 प्रमाण मैं दे सकता हूँ कि पिछली मिनट्स में क्या बोला था, आज की मिनट्स में क्या आ गया। तो ये टाल मटोल उनके मिनट्स में भी होता है, इसलिए इनका जो है, आप विस्थापित लोग यहाँ पे मंच के लोग रहे, एनसीएल प्रबंधन रहे और जिला प्रशासन रहे, जिनके बीच में संयुक्त रूप से एक एग्रीमेंट हो, जो सभी लोगों को साफ साफ अक्षरों में पता हो कि जमीन का रेट ये है, घर का रेट ये है, विस्थापित इस व्यक्ति को माना जाएगा, उससे ये प्रमाण लिया जाएगा। तो और भी लोग हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कुछ है, आप लोग जानते भी हैं, कहीं दूर से नहीं है, सारी समस्याओं से अवगत है। और जैसा इन्होंने कहा, मिढौली में अभी 200-300 घर खदान के मुहाने पर एकदम है, आप लोग जा करके देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हो रखी है। तो आप लोग अभी से सावधान रहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप जो समस्याएं थी सिंगरौली के सभी नागरिकों के बीच में आपने रखा, और इस होने वाले विस्थापन के माध्यम से उस बातों को सबको समझना होगा। इन बातों को आगे भी समझने के लिए हमारे अध्यक्ष भारती साहब का कुछ विचार है, और इन्होंने बहुत ही सिंगरौली के लिए बहुत आंदोलनों में अपना सहयोग दिया है। हम इनसे भी कहेंगे कि अपने विचार को सिंगरौली वासियों के सामने रखें। धन्यवाद राजेश अग्रहरी जी। हमारे नौजवान साथी जितने भी यहां क्षेत्र से पधारे, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी पूरे वक्ताओं ने, बंदी जी ने, लोक जी ने जो बातें आपको कही बहुत सख्त तरीके से समझाई, आरपी सिंह ने अपना दर्द भी आपके सामने रखा, तो मैं समझता हूं जिस चीज की हमको जरूरत है जनमत संग्रह की, वो करवा के देख रहे एनसीएल, नहीं तो इनके चक्के जाम होंगे, कांटा मोड़ पर जाम करेंगे, रेल के पहिए जाम करेंगे, खदान बंद करेंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, नौजवान युवा साथी नारे लगाइए दोस्तों, महिला शक्ति। तो ये पुनर्स्थापना मंच आप लोगों का आपका अधिकार और हक पूर्ण दिलाएगा, चाहे जो भी हम लोगों को घंटाक्रम करने पड़े, क्योंकि आज वादा करते हैं जो हम प्रयास 12 साल से अरविंद सिंह साहब ने बताए, ये नौजवानों ने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए आपके सामने है। आप देख रहे हैं एक रेलवे की दीवार बन रही थी, राजेश सिंह ने रखवाई, गर्व है हमको नौजवानों के ऊपर।
और आपको जो आप जल्द रोड पर जाते हैं, उस रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई थी, तो आपके नौजवान शेखर जी, भूपेंद्र गर्ग जी ने जूस्टर साहब से कहा, चार जनरल मेजर थे, जब तक रोड नहीं मरेगी यहां से उसकी लाश नहीं उठेगी। तो दोस्तों, एक लाश की कीमत यहां पर 4 लाख रुपए है। अभी आपने देखा, कल भी दुर्घटना हुई, ठीक है, यहां के कोयला के जितने भी अधिकारी हैं कहते हैं बिना प्लास्टिक के कोयला नहीं निकलेगा, वो बिना मोरे के कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ प्रमाण दे दूं आपको, ये मरौली के फोटो है, देख लो, ये 9 नंबर वार्ड के फोटो है, याद रखना आपके मकानों के यही हालत होगी, छज्जे गिर रहे हैं, प्लास्टर झड़ रहे हैं, फिर ना कहना कि आप लोग ने आवाज क्यों नहीं बुलंद की। तो दोस्तों, ये नीतियां बनती रहती है, कड़ियां तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि हम लोग द्वारा फिर इसे इसको जोड़ करके गले में फूल माला पहना दे। तो यहां पर नाग साहब ने कहा था कि हम मरौली के आगे नहीं बढ़ेंगे, नाग साहब के बाद आपके प्रभात सिन्हा जी आए, वो अपना समय पूरा कर गए, और भोला सिंह जी आए, वो अलग से कलाकारी करके चले गए, पता नहीं चलने दिया। हम लोग कोई अलग नहीं है। अगर आप सोचे कि हमारे मित्र या हमारे जनप्रतिनिधि अलग है, नहीं अलग है, मगर उन्होंने जो बातें करी वो अशोभनीय है, क्योंकि 6-7 महीने से बालूगढ़ का नाम नहीं आया था। जब रिकॉर्ड दिए कि मरौली का स्कूल कहां बना, परताली में बना, तो उस टाइम ऊर्जा जल व्यापार संघ में लिखा गया था, और प्रभात सिन्हा ने कहा था आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी जब तक हम आपके मकान नहीं लेते। नोडल अधिकारी आए, सर्वे किया, ये हमारे गवाह है जाकू भाई, इनके घर का सर्वे करवाया, 3 घर के सर्वे करवा में मौजूद था, मगर एक पैसा नहीं मिला। क्या हम लोग अभी अभी 9 नंबर वार्ड में एक प्लास्टर गिरा, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, ये सूक्ष्म तंत्र ऐसे हैं, जितने भी लोग हैं इन मोबाइलों में उलझ गए। आज हमको जरूरत है जितने भी लोग आ सकते हैं, चक्का कैसे जाम होगा। आपने साथ दिया, मैं गवाह हूं आपका, आप भी गवाह है, किसी की एक कर्म भूमि है और किसी की जन्म भूमि है। तो दोस्तों, जब जब आपने साथ दिया तो आपने अपने हक को और अधिकार को पाया। तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे भी टैनी साहब, चंदन भाई, चाहे जितने नौजवान बैठे हैं, टंडन जी, इन्होंने जो 24 मांगे दी है, ये आपके हक की मांगे। आप भी सबने बता दिया 8 लाख कैसे हुआ, 11 आंदोलन हुए थे, पूछिए परिहार साहब किसके गवाह है अपने, आरपी सिंह साहब, मनसाराम प्रस्तावन मंच के अध्यक्ष थे, 11 आंदोलन हुए, आप लोगों ने साथ दिया। तो आज हम यही चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप का जो खेल है, रात को 12-12 बजे तक टू टू करता रहता है मोबाइल, ये मोबाइल चलाने से आपका हक और अधिकार पूरा नहीं होगा। आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, कहीं तो हम लोग काले पटके बांध करके अपनी मांग पूरी करते हैं, कहीं चक्का जान करके मांग पूरी करते हैं। तो संगठन में शक्ति होती है, अगर संगठन को मजबूत करना है तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको आंदोलन का रूप तैयार करें। अगर ये समय नहीं देते हमारे यहां के सीएमडी साहब, डायरेक्टर साहब, जीएम साहब, तो हम लोग काटा मोड़ पर जब भी यहां टेम्पो घूमे, जहां आपके सूक्ष्म जंतर मोबाइल फोनों से आपको सूचना मिले, हजारों की संख्या में जाकर काटा मोड़ पर बैठेंगे और आपको खाने का इंतजार किया जाएगा। घबराइए नहीं, क्योंकि मैं गवाह हूं, केस चले भुगते में जीता, किसी पर आंच नहीं आने दिया, आपकी आवाज दिल्ली दरबार तक पहुंचाई। उस टाइम सुशील कुमार थे अपने सेक्रेटरी,
श्री प्रकाश जायसवाल जी मिनिस्टर भी थे, तुषार साहब सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी माना। क्या जंतर मंतर पर जाने पर हमारी मांग पूरी होगी? आज के यहां पर अभी इन्होंने बताया हमारी तीन पुस्तें, बाकी मैं तीन पुस्तें देखी। यहां पर बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा साथियों का जोश और महिला शक्ति का समर्पण रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी हमारे युवा साथी, ये तो मर्यादा होती है पदों की, आवाज बुलंद करे, देर ना करना, हर बार से कम भी 100-100 आदमी लेके आइएगा, क्योंकि ये धरती ने हम सबको बहुत कुछ दिया, गले लगाया, हम संपन्न हुए। यहां जहां आप खड़े हैं यही छोटा बाजार होता था। कलेक्टर रहिए साहब ने यहां पर इसको बहुत सत्यापान किया, तो यहां पर ये रोड़े बने और इन्होंने ऐसा शब्द लिखा बहुत सत्यापान। कई लोग पूछते हैं ठोस रोग क्या होता है जी, बहुत सत्यापान यही नापी होती है साहब, शुद्ध हिंदी है। नापी करने के लिए इन्होंने जल्दी अखबार में निकाल दिया और हम लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, हम आपकी मांग मानते हैं। अब आप बताइए, इन्होंने कहा 1,37,000 रुपया देंगे, 1,37,000 रुपये आपको कहीं प्लाट मिलेगा? दोस्तों बताइए, तो खड़ा करिए हाथ। और हमारे मित्र ने कहा उसी टाइम मीटिंग में सीएम जी साहब, कलेक्टर साहब, उनके सेक्रेटरी कि बैन में 10 एकड़ जमीन ले दो, मैं 2 लाख रुपया भी आपको कैश पेमेंट करता हूं, हमारे दोस्त ने कहा। तो वो उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा, कलेक्टर ने सीएम जी ने क्या रेट चलता है महाजन रोड का, जब जुम्मन बिहार का अग्रियारी रोड का? तो उन्होंने कहा साहब 4.5 से 6 लाख रुपए डेसीमल है। तो जमीन कितने की हुई? 30 लाख की। तो हमारे डैनी भाई ने 40 लाख की मांग की थी आप लोगों के लिए, तो शायद इन नौजवानों की मांग 25 लाख तक पहुंची है। तब ये अगर तैयार हो गए 15 लाख बालिक को, मुखिया को 25 लाख, नहीं मानेंगे तो हम लोग यहां निश्चित काल तक मतलब के अपने हड़ताल करेंगे। जब चाहे ये रेलगाड़ियां बंद करते हैं, कोयले के लिए रेलगाड़ियां क्यों चलती है भाई? हमारी 20 बोगी की रेलगाड़ी बंद कर दी 1 महीना के लिए, क्या हम लोग रिफ्यूजी है? हम लोग कैद मुक्त रहे हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और यहां आना पसंद नहीं करते। 30 त्योहारों में बच्चे धक्के खा के आते हैं जो 40 घंटे में पहुंचते हैं। तो ये विस्थापन का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है और हमारे एकदम पीठ के पीछे खदान सट गई है, 6 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। उनकी क्या दशा होगी, उनसे आप उनके दिल का हाल पूछिए, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं। हम लोग जो नौजवान साथी हैं, घरों में जाके जब देखते हैं, कहते साहब देखिए मेरा कार खड़ा था, छज्जा गिर गया, ये छज्जा गिर गया, शीशा टूट गया, क्या ये क्षतिपूर्ति देगा? किसको दिया अभी तक? नहीं दिया। तो मैं इनकी कुछ 2 लाइनें और बता देता हूं आपको। इनके जो नीति है, इन्होंने लिखा है, इन्हीं का यह गवर्नमेंट का यह मैं चिट्ठी दिखा दूंगा, परियोजना समूह कार्यबल के द्वारा राज्य अधिकारियों के साथ मिलता और बातचीत करेगा। अगर गांव है, पार्षद है, वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनसे बैठ करके पुनर्वास के बारे में बात करेंगे, ये लिखा हुआ है उनकी चिट्ठी में। भूखंडों और बुनियादी सुविधाओं का विकास करेंगे, ये बातें मैं आपको पहले मैं नहीं कह रहा, ये बातें लिखी हुई है चिट्ठी के अंदर। पुनर्वास कॉलोनी और भूखंडों को आपको सक्रिय अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में देंगे। आवंटन जैसी प्रशासनिक सेवाओं के लिए राज्य अधिकारियों को सहायता दी जाएगी, ये उनका लिखा हुआ है। ये समझते हैं कि हम नारदल गोल्डफील्ड में नौकरी कर ली तो हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं। दोस्तों मैं चैलेंज करता हूं कोला खदान के बल की अधिकारियों को कि हमारे यहां के व्यापारी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, सीए है, कोई अनपढ़ व्यापारी नहीं है। वो तो हैरान रहते हैं कि हमारा सेक्रेटरी का कागज बाद में निकालता है और ये पुनर्स्थापना मंच वाला पहले रखता है राजपत्र का कागज। ये बातें हैं आपकी, पूछिए नौजवानों से, इन्हीं लोगों को भेजते हैं हम मीटिंग में, हमारा तो पता नहीं आज जिंदा है कल मर जाए।
आप लोग आगे आइए, उसके बाद निगरानी के लिए वहां के नौजवानों को बुलाकर मीटिंग करिए। अगर गांव है जहां वहां का आपका पार्षद अपने वार्ड है, इसके अलावा राज्य सरकार के अलावा सारे संगठनों को मिलाकर उनके साथ प्रवास किया जाएगा और आरएफबी के साथ जोड़ा जाएगा। उसके बाद सहायक कंपनियों के लिए लचीलापन होना चाहिए व्यवहार में। तो आपको पता होगा जब रोली में मतलब मुआवजा बढ़ रहा था, हम लोगों ने जोर लगाया कि इसका ऑफिस दो चक्कर में खोलिए, दो क्वार्टर खाली थे। हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया आपने सुना होगा अखबारों में, क्या करने आए हो, कहा हो, कहा हो तुहार, ऐसा बोलता था वहां का, कहा चाहिए तुहार, मुआवजा चाहिए, कहा तुहार पास आधार कार्ड बा, राशन कार्ड बा, पैन कार्ड बा, ऐसा पूछता था। वो बेचारा अनपढ़ क्या बोलेगा, तो वो यहां ऑफिस नहीं लाए। और जयंत को और खुदी जी को आगे बढ़ाना है, इस खदानों को रोकेंगे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। आपका पसीना बहेगा, अगर मेरा बलिदान भी हो जाए तो मैंने जी लिया सबके साथ। और इसके लिए सहायक कंपनियों के लिए लचीलापन के लिए सहायक कंपनियां बोर्डों के सहायक सहायक स्थितियों के साथ यहां के गणमान्य लोगों को आपस में मेल मिलाप करके संशोधन की मंजूरी देते हैं, जिसके लिए आर एंड आर एक नीति बनाई गई है। चिंता ना करें, आपने आज तक साथ दिया है, मुझे भी गर्व है कि यह काम आपके द्वारा हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है। भाई आप मांग रखिए, अगर आपकी मांग पूरी करते हैं, यहां क्या कमी है बताइए। जिसके पास पैसा नहीं होता, लड़की की शादी हो लड़के की शादी हो, लोग कपड़ा दे देते हैं, सोना दे देते हैं, करियाने का सामान देते हैं, देते नहीं देते। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, पार्टियों से हट के काम करते हैं हम लोग, करते कि नहीं करते दोस्तों, ये प्यार है यहाँ का, ये मोहब्बत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जोर लगा रहे हैं। अगर बंद करना होता खदान तो लाग साहब ने कहा था कि मोहली के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों बढ़ दिया हम लोग को बताया नहीं, ब्लास्टिंग करते आ रहे हैं, मैं टापू का फोटो दिखा दिया आपको। तो आपसे प्रार्थना है आगे बढ़े, और भी जिलों जिलों में बोलना है, रजेश अग्रहरी जी को आप लिख अपने नाम लिखवाइए, आप क्या हम चाहते हैं विचार। हम लोग तो भाजन करते हैं, हम लोग नहीं परवाह करते कि जेल जाना पड़े या हम लोगों को बने अपने बेल पर छूटना पड़े, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपने विचार रखिए, इसलिए जनपद संग्रह होना है और हम सब एक है, कोई अलग नहीं है। मैं बार बार आपको तीन बार कहा, ये जो हमारे बीच हमारे मित्र है वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच ही आपका बलात् चाहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आए हुए अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही आवाज बुलंद करने के लिए आगे भी और प्रवक्ता है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारती साहब। ये हमारे सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्ष हैं और हम आप सिंगरौली के सभी जनता जनार्दन को इस मंच पे आने से जो हौसला आप चाहिए आप लोगों ने दिया है, वास्तव में हम सभी अगर एक रहेंगे तो इस सिंगरौली की जो नुकसान करने वाली एनसीएल है वो नहीं कर पाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को अपने विचारों को एक मंच पे और एक जगह रखना है, जो भी हम मतभेद रहे वो आपस में कर ले, फोन वार्ता के द्वारा करें और इस तरह से ना करें कि हमारा काम तो राजेश भाई कर देंगे या अमित जी कर देंगे। हम सभी लोगों को लगना है, इस लगने के लिए अगर कोई सभा होती है या कहीं आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाता है तो उसमें सिंगरौली की सभी जनता जनार्दन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। इसी के साथ हमारे बीच में 9 नंबर वार्ड के परमानंद जी बैठे हुए हैं, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं, हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट में अपनी बातें रखेंगे। मंचा सिंह, सभी भाइयों को मेरा जय भारत, वंदे मातरम।
आप बीती बात मैं आपको एक तो बस बताऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं है। जो बात वार्ड नंबर 10 में भुगतना पड़ा, क्योंकि वहां कोई ऐसा मंच नहीं था, कभी हम लोग देखे ही नहीं कि मंच है वहां। जैसा एमसीएल चाहा वैसा किया, पब्लिक कहां कहां, पब्लिक को तो पता ही नहीं कि कहां आपको क्या करना है, कहां जाना है, किससे बात करना है, यह भी मालूम नहीं। तो देखिए मढ़ौली नंबर 10 में जो पब्लिक के साथ हुआ कि घर का नापी हो गया, घर का नापी हो गया, वो नापी का पेपर भी मिल गया, उसका बिल भी बन गया कि आपके घर का इतना रुपया बना है मुआवजा, इतना आपको घर का मिलेगा। लेकिन इसी बीच में होता क्या है कि उनके ऑफिस में जो नापी करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, चोरी डकैती हो गया, क्या हो गया, अब वो एनसीएल जाते, अब वो हम लोग क्या देखते हैं। तो उस चोरी डकैती के केस में 2 साल के लिए फिर मुआवजा पेमेंट बंद हो गया, हुआ ही नहीं, जबकि आपको सब पेपर मिला हुआ है, आपका मुआवजा इतना बना, 10 लाख बना, 20 लाख बना, सब कुछ बकायदे लिख दिया हुआ है। तो इतना होने के बाद जब 2 साल के बाद फिर उन्होंने इस बात को उठाया कि अब मुआवजा दिया जाएगा, तो मुआवजा दिया जाएगा तो पुराना मुआवजा जो हमको नोटिस मिला वो नहीं मिला। पब्लिक के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ कि जो हमको पहले मुआवजा का नोटिस मिला वो मुआवजा नहीं मिला। 2 साल बाद फिर वो नापी करा दिए, और 2 साल बाद नापी करने के बाद 50% 40% मतलब कि आधा से ज्यादा भी कम का फिर मुआवजा बना, जिसका 8 लाख बना उसको 3 लाख बना, जिसका कैसा ऐसा भी सुनने में आया कि नहीं बड़ा मकान है 50 लाख बना है, अब नोटिस मिल गया बेचारा घर अपना उजाड़ दिया कि आपको छोड़ना है, नेव बचा नेव का उसको 5 लाख की 6 लाख रुपया बना, तो कितना बड़ा धोखा हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो धोखा वहाँ वार्ड नंबर 10 में भुगतना पड़ा है वो वार्ड नंबर 9 में कम से कम पब्लिक को न भुगतना पड़े। दूसरी बात यह कि एक आदमी कहाँ कहाँ का आधार कार्ड बनवाएगा, यदि हमारा है तो मढ़ौली सब सिंगरौली एक ही है, यदि हमारा घर वार्ड नंबर 10 में है, हमारा लड़का बच्चा है, बालिग है, सब कुछ है, घर में रहता है, लेकिन अब उसको घर है एक आपका वार्ड नंबर 7 में, तो वार्ड नंबर 7 वाले को प्लाट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, आखिर है तो सिंगरौली में, ये कौन सा कानून है, इस कानून को आप लोगों को बदलना चाहिए कि जो परिवार है परिवार कहाँ बसेगा कहाँ रहेगा, अभी तो यहाँ रहता है, तो वार्ड नंबर 9 उनको जहाँ है कहाँ के आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, वहाँ का आधार कार्ड चाहिए, वहाँ का वोटर आईडी चाहिए, वहाँ का सब कुछ चाहिए, तो आधार कार्ड वोटर कार्ड 10 जगह का तो नहीं बनेगा, कहीं एक ही जगह बनेगा, लेकिन रहने के लिए तो जगह चाहिए, तो उसे आदमी को प्लाट नहीं दिए, बोले कि नहीं आपका यहाँ का होना चाहिए तभी मिलेगा। तो इस पर कुछ सुधार होना चाहिए, और जो अभी बोरिंग वगैरह देख ही रहे हैं कि बोरिंग बंद हो गया, यहाँ 50% बोरिंग बंद हो गया, अब दूसरा पैसा कहाँ कि फिर दोबारा भी बोरिंग कराए, कम से कम उसको आप लोग इंक्वायरी करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए, उसका पैसा पेमेंट हो जाए, या अपना पानी का तो अच्छी व्यवस्था कर ले, पानी के बिना तो यहाँ 2-2 दिन तक पानी नहीं चलता है, आदमी परेशान हो जाता है। तो यही समस्या की मतलब जो वार्ड नंबर 10 में मंच नहीं होने के कारण बहुत पब्लिक का नुकसान हुआ, लाखों में नुकसान हुआ, तो वो नुकसान फिर न हो यही हम चाहेंगे मंच से कि आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी। वास्तव में मंच न होने की वजह से समस्याएं बहुत रहेंगी, कहे कि समस्याओं को निराकरण के लिए हर व्यक्ति जाएगा तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, अगर समूह बना के एक रूप से एकता बना के जाएंगे तो हर जगह बात सुनी जाएगी। इसी कड़ी में मैं आलोक जी से थोड़ा समय की गंभीरता को समझते हुए
बारिश भी आने वाला है और आज सबसे अच्छी बात है कि हमारे बीच में महिलाओं की भी उपस्थिति है। इस सिंगरौली में सभी पुरुष और महिलाएं सभी विस्थापित होंगी, तो भागीदारी सबकी होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि महिलाएं भी बाहर आई हैं। आलोक जी धन्यवाद पूर्ण भैया। जैसा कि हम सभी को पता है और हम सब जानते भी हैं, जैसे अभी अंकल जी ने बताया कि जिसका 8 लाख मुआवजा बना था उसका 3 लाख दे दिए, यही हाल 10 नंबर वार्ड में किए हमारे मित्र पासवान जी का, 47 लाख मुआवजा बना था, लास्ट में उनको 22 लाख रुपए लेना पड़ा। और यही होगा यदि हम सब एक नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि फलाने तो जा ही रहे हैं, ये 10-20 लोग जा ही रहे हैं, ये करा लेंगे, तो हमारा तो ये मकान है 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा। ऐसे जोड़ के रखेंगे ना तो दोबारा घर भी नहीं बना पाएंगे, इसे नहीं देगा एनसीएल। इसलिए हम सबको एक रहने की जरूरत है और नापी की हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं करना है। अरे हमारा भविष्य, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य, हमारी 3-3, 4-4 पुश्ते बीत गई तब यह चमा चमा सिंगरौली शहर दिखता है। तो एनसीएल हमें जब तक नहीं बताएगा कि हम क्या देंगे, कहां बसाएंगे, क्या सुविधा देंगे, प्लाट का पैसा तो आज हम कहते हैं हम 20 लाख प्लाट का पैसा आज बात हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएंगे। प्लाट का पैसा मिलेगा कब? 10 साल बाद? जो प्लाट आज 5 लाख रुपए डिसमिल है हो जाएगा 10 साल बाद 30 लाख रुपए डिसमिल, तब देंगे पैसा हम, कब देंगे वो, ये भी तो बताएं। देखिए मेन आज का मंच जो है, आज की बैठक इसीलिए आप सबकी राय लेने के लिए रखी गई है कि कल हमारे मंच से कुछ लोग जाएंगे ऊपर बात करने एनसीएल में। क्या आप सब सहमत हैं कि बिना जानकारी के हम अपने शहर की नापी नहीं होने देंगे? हाथ उठा के समर्थन दीजिए, यही बात आगे जाएगी। सुनील जी चारों तरफ दिखा लीजिए कैमरा, ये पूरी जनता, पूरी सिंगरौली हमारे साथ है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एनसीएल अपनी गरज पे लेगा, हमारी आपकी गरज पे नहीं लेगा, इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं है। समय का अभाव है, मौसम थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। और बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एनसीएल लाठी बरसाएगा तो हम लोग हैं, लाठी झेल लेंगे, आप लोग बस साथ खड़े रहिएगा। लाठी से डरने की जरूरत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि लाठी उठाएगा उठाएगा तो हम लोग झेल लेंगे, 2-4-10 लाठी होते होते व्यवस्था हो जाएगी, इसकी चिंता नहीं करनी है। और यही सिंगरौली की एकता मिसाल है, पूरा बाजार बंद हुआ था और हम लोग जो रेलवे में आंदोलन किए थे 24 घंटा पहले ही दैनिक जागरण पेपर में निकला था, जबलपुर इंटरसिटी और वाराणसी इंटरसिटी मिल गई थी, ये इसी एकता की ताकत थी। यात्रिक होटल के पास रेलवे यार्ड बनने जा रहा था जो आज सरई में गिरा दिया है, सरई में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे कोयला गिरा के वहां से लोडिंग चालू है। हम सब भरी बारिश में इकट्ठा हुए थे यात्रिक होटल वाले चौराहे पर और रेलवे का बना हुआ यार्ड हम लोगों ने कैंसिल करा दिया था। और यदि आप अपने घर में बैठे रहेंगे कि एनसीएल खूब अच्छा देगा, तो आज भी उदाहरण है, एनसीएल घर छोड़ के 10-20 ठो और काट दिया है 50-50 फीट। ये कहते हैं कि हम नजीर पेश करेंगे, हम बसाहट देंगे, नजीर तो पेश कर दिए हैं मिड़ौली में, पूरे भारत में ऐसे कहीं काट के नहीं छोड़ा गया है। कलेक्टर साहब के पास मीटिंग थी जब ये फोटो लेके राजेश जी गए दिखाए तो सीएमडी साहब बोलते अच्छा ये रहने दीजिए बाद में। अरे बाद में क्यों, कलेक्टर साहब भी तो जाने की क्या कर रहे हैं आप, कलेक्टर साहब को झूठे बता दिए कि 95% लोगों से सर्वे हो चुका है। कौन सा सर्वे हुआ भैया, कौन आपके घर पूछने आया था कि कहां जाओगे, कहां बसाहट है, कितने लोग हैं? 3-4 साल पहले हुआ था, यह पूछने गए थे, वो भी आधा अधूरा था कि भैया प्लाट का पैसा चाहिए कि प्लाट चाहिए, वो आधा अधूरा सर्वे हुआ था। लेकिन कलेक्टर साहब को बता दिया गया कि नहीं साहब 95% लोग तैयार हैं। तो अब ये धोखा नहीं हो पाएगा क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा विस्थापन है। बस समय कम है, हमारे वरिष्ठ और सभी लोग भी साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई। हम बता दें भैया कि हम लोग एक दिन कलेक्ट्रेट में गए थे, हमें भी सौभाग्य मिला था कलेक्ट्रेट में जाने का, और कलेक्टर साहब जिस तरह से उपस्थित हुए वहां पे,
उनकी आवाज और उनकी चाल आक्रोश भरी थी और अपने टेबल पे आते हुए उन्होंने तुरंत कहा कि विस्थापन की बातें तो हो चुकी हैं, आपको भलुगढ़ जमीन दिया जा रहा है, आप भलुगढ़ चले जाए। तो हम लोगों ने विरोध किया कि हम लोग भलुगढ़ नहीं जाएंगे। कलेक्टर साहब आवेश में कहे कि नहीं जाएंगे तो भी ठीक है, कितना मुआवजा बना है जी? एनसीएल वालों से पूछा गया तो बताए कि 1,37,000 रुपया, 1,37,000 रुपया। और बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे ही बीच में रहने वाले हमारे वरिष्ठ चुप रहे और मुस्कुराहट इस तरह की थी कि जो कलेक्टर ने बोला उस पर सहमति की ठप्पा लगा दिया। यह दुख हमसे तो नहीं झेला गया और हम जिस तरह से बताए हैं आपको भी नहीं झेलना चाहिए। हमारे बीच आई हुई महिला नेत्री श्रद्धा जायसवाल जी चूंकि सिंगल महिला आई है इसलिए इनसे भी इनकी राय ली जाए और हमें अच्छी है कि नारियों की भी सहभागिता होनी चाहिए। धन्यवाद आदरणीय। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सब जान रहे हैं कि मोरवा विस्थापन का मार झेल रहा है तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो हमारी तरह शिक्षित बेरोजगार होने वाले हैं, जो महिलाएं घर से निकल के काम कर रही हैं, अपने परिवार के साथ रहते हुए घर और बाहर दोनों जगह अच्छे से देखभाल कर रही हैं, तो उनके लिए विस्थापन मंच ने क्या कुछ सोच रखा है? उनके लिए क्या है भाई, कल को विस्थापन हो जाएगा, घर टूट जाएगा, जो महिलाएं स्कूलों में काम कर रही हैं स्कूल चला जाएगा, क्या उनको उसी पे तनख्वाह पे स्केल पे कहीं दूसरी जगह स्कूल पे काम मिलेगा? उनका जो पीएफ का अमाउंट है, जो परमानेंट टीचर्स काम करते हैं, पीएफ रुक जाएगा तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ केंद्र बात करता है महिला सशक्तिकरण की और यहाँ पर केंद्र हम जैसी रोजगार महिलाओं को बेरोजगार करने पे तुला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मेरी तरह जितनी शिक्षित महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, तो इस विस्थापन मंच के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि वो भी हमारी बात रखे कि हम जैसी महिलाओं को भी एक उचित मुआवजा मिले, और अगर नहीं तो फिर जैसा स्कूल हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस तरह का स्कूल यहाँ पर बनाया गया है, अगर एनसीएल उसी तरह का स्कूल बना रहा है, वही उसी माहौल में स्कूल बनाएगा, उतने ही बच्चे उसी पे स्केल पे काम करवाएगा, तब तो बहुत अच्छा है। कई लोगों के मन में सवाल लगा कि मैडम आप जहाँ काम कर रही हैं अपने इंस्टीट्यूट को बोलिए, तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, ये सरकार ले रही है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जिम्मेदार तब होता जब वो अपनी मर्जी से स्कूल यहाँ से हटा रहा होता, तब हम उनको बोल सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट इसमें पूरा सपोर्ट हमको कर रहा है कि ये तो गवर्नमेंट ले रही, तो आप गवर्नमेंट से ही बोलिए कि ह्यूमन राइट्स के तहत कि आप लोग का अधिकार बनता है, कि आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात है तो महिलाओं को बेरोजगार ना होने दिया जाए, हमारी जैसी महिलाओं का भी ख्याल रखा जाए। कहते हैं कि अपनी बात रखेंगे तो ही काम होगा, अब तक हमने शायद महिलाओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है, तो मेरी यही गुजारिश है कि पुनर्स्थापन मंच से कि हमारी बात को रखी जाए, अगर आप सीएमडी साहब के पास जाते तो इस बिंदु को और भी ध्यान केंद्रित किया जाए। कहते हैं कि अगर सब एक साथ मिलकर के किसी चीज के लिए आवाज उठाएंगे तो क्यों नहीं हो सकता, समाधान हर समस्या का समाधान होता है। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी जय हिंद जय भारत। धन्यवाद श्रद्धा जायसवाल जी। हमारे बीच हमारे वार्ड नंबर 9 जो विस्थापित होने जा रही जल्दी, उसके पार्षद माननीय शेखर सिंह जी भी आ गए हैं, इनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। और राजेश भाई को हम चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा जोश खरोश कम है लोगों में और एक उभरता आवाज और जो तथ्यों को सही रख सके उनको। धन्यवाद मुन्ना भैया, बड़े देर से आप लोग बड़े ठंडे ठंडे बैठे हैं,
मैं बता दूं कि किसी भी बड़े आंदोलन के पहले एक बहुत अच्छा सन्नाटा होता है और यह सन्नाटा उसी का है, लेकिन इतने सन्नाटे से बैठने से काम नहीं चलेगा। अभी तक जितने भी हम लोगों ने एनसीएल से बातें की, कलेक्टर साहब से बातें की, उन बातों का तथ्य यही निकला कि हमें 3 साल तक हमारे बीच में ही एक गुट बनाकर बरगलाया गया। मैं कट टू कट बात करूंगा, मैं कोई आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब आपको भी समझना होगा, अब आपका हिसाब रजिस्टरों में लिखने जा रहा है, तो आप बरगलाने में किसी के ना आइए। सबसे पहली बात, आप व्यापारी हैं तो पहले कलम और कागज अपना उठा के अपना हिसाब जोड़ना सीखिए। आपको जब हम लोगों ने यह मंच शुरू किया था तो मैंने एक वादा किया था कि 15 दिन के अंदर आपके हर व्यक्ति के हाथ में एक कैलकुलेशन सीट होगी कि आप एनसीएल का कोई भी व्यक्ति आएगा तो आप उससे उस मुद्दों पर बात कर सकेंगे। हम लोगों ने 24 सूत्रीय मांगे रखी और उस 24 सूत्रीय मांगों में हम लोगों ने जो भी समूह यहां बने थे पहले डिमांड हम लोगों ने उस समूह के सामने रखी कि यह 24 सूत्री मांगों में जो गलत मांग है उसको आप काट कर और इन मांगों पर लड़ाई कलेक्टर साहब और एनसीएल से शुरू करिए। तो हमारे उस 24 सूत्री मांगों को खारिज करते हुए यह कहा गया कि इसको हम लोग 4 से 5 बार में मांगेंगे। अब ये ऐसा क्यों कहा गया यह आज तक मुझे नहीं समझ में आया। अगर हमें कोई डिमांड करनी है तो हम टुकड़ों में क्यों मांगे? हम पहले अपनी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के आधार पे हम उस डिमांड को रखें, तभी हमारी बात रखी जाएगी। फिर उसके बाद उनके द्वारा यह कहा गया कि हम 15 लाख रुपया पर व्यक्ति की डिमांड कर चुके हैं, वह बहुत है, इससे ज्यादा एनसीएल अगर देगा तो कहीं ना कहीं एनसीएल इस सेक्शन 9 को लगाकर छोड़ देगा। तो यह बहुत बड़ा गफलतबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कल एनसीएल के जिम्मेदार व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट पहला शब्द यह कहा कि एनसीएल के पास इतना पैसा है कि एनसीएल का हर तीसरे माह पैसा, जितना लोग यहां सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा पीएमओ ऑफिस चला जाता है, क्योंकि यहां कोई भी कार्य की डिमांड नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस जिले का। उनके द्वारा यह कहा गया कि आप लोग जितनी लड़ाई हमसे लड़ते हैं, क्या आप अपने जनप्रतिनिधि जो पार्षद से लेकर सांसद तक बैठे हैं उनका निधि है, हर व्यक्ति का एक निधि है। मैं बार बार मंच से इसी चौराहे पे बोलता हूं कि आप अपने विधायक या सांसद या पार्षद से उनसे यह पता करिए कि आपकी निधि क्या है, यह आपका राइट्स है। और अगर उस निधि का पैसा आपके क्षेत्र में नहीं खर्च किया जा रहा है तो यह छलावा आपके साथ हो रहा है। और वह कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या मंशा है यह मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि अगर आप पैसा क्षेत्र में खर्च करोगे तभी आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका हिस्सा भी उसी में होगा, लेकिन वह पैसा भी लेप्स कर दिया जाता है। वह पैसा कहां जाता है और देश के किस कार्य में लगता है यह भी आप कभी नहीं पूछते हो। यहां पे सबसे बड़ा फंड है डीएमएफ का, जो आपका राइट्स है, और डीएमएफ का फंड इतना है कि शायद भारत के कम 10-12 स्टेटों का अपना अपना अगर व्यक्तिगत फंड देखा जाए तो उससे ज्यादा है, इतना बड़ा डीएमएफ का फंड है आपके जिले में। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि एक सड़क नहीं बन पा रही है। आप पूरा भारत घूम लीजिए, यहां के पैसे से पूरे भारत की सड़क बन रही है, लेकिन अगर उसके लिए हम आंदोलन करते हैं, इसी चौराहे पे हमने कितनी बार सभाएं की, जनता नहीं घर से निकलती है, तो यह किसकी कमी है? यह हमारी आपकी कमी है। आप मोबाइल पे नेतागिरी करना चाहते हैं, मोबाइल पे पैसे का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मोबाइल पे आप अपने पैसे का आने जाने का हिसाब करना चाहते हैं, तो यह कब तक होगा? चमचमाते घर सबके दिख रहे हैं, आज उस घर के सामने अगर कोई एक पत्थर चलाता है तो आप लाठी लेकर बाहर खड़े होके इंतजार करते हैं कि वह पत्थर मारने वाला व्यक्ति कौन है। आज आपके घर को रोज हिलाया जा रहा है, आज आपके घर को गिराने की तैयारी की जा रही है, और उसके बाद आपके दिल में डर बिठाया जा रहा है
कि यह तो एनसीएल जबरन आपसे ले लेगा। अगर एनसीएल इतना जबरन कर सकता तो आप 10 नंबर वार्ड में जो 300 परिवार बैठे हुए हैं, आखिर एनसीएल उनके साथ जबरन क्यों नहीं करके उनका घर गिरा दे रहा है? यह उनका राइट है। जब तक वह वहां से नहीं हटेंगे तब तक एनसीएल की हिम्मत नहीं है कि उनको वहां से हटा ले। तो पहले तो आप अपने दिमाग में यह डाल लीजिए कि आप अपना घर मकान जब तक सही कैलकुलेशन में, सही नापी में, सही मुआवजे के साथ अगर एडवांस में एनसीएल लिख के आपको कागजों में नहीं देता है तो आप किसी भी तरह की नापी, सर्वे या किसी भी तरह का उनका मुआयना नहीं होने देंगे। क्योंकि अब बातें घुमा के करने की नहीं है। एनसीएल ने क्लियर निकाल दिया अखबारों में कि कल से इनका जो है नापी शुरू होना है। आपको बता दें जो यहाँ ड्रोन सर्वे हुआ था, आप उसकी तह में जाएंगे तो अनलीगल सर्वे था वो। उड्डयन डिपार्टमेंट से एनसीएल को उस डेट तक कोई भी परमिशन नहीं मिली थी। कलेक्टर साहब ने स्पष्ट लिखा था, उन्होंने 14 कालम पे उनको बांधा था कि यह 14 कालम आप पूरा करें, उसके बाद आप ड्रोन सर्वे करें। 14 कालम में मुझे नहीं लगता है कि 2-3 कालम का भी उन्होंने पालन किया। उन्होंने किसी चौराहे पे जाकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, अखबार में उन्होंने निकलवाया और सीधा उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। और मजे की बात है कि हम लोगों ने उसका विरोध भी नहीं किया। यह हमारी कमी है। हमें तत्काल उस उनके जो है ड्रोन कैमरे को रोकना चाहिए था। आज उस ड्रोन कैमरे की फोटो को ये यहां से लेके कलकत्ता और दिल्ली तक दिखा रहे हैं, कोल इंडिया में जाके बता रहे हैं कि हमने सर्वे कर लिया। उस दिन कलेक्टर साहब चूंकि यहां नए आए, उनको नहीं पता था कि प्रक्रिया कहां तक बढ़ी है। उन्होंने सीधा जिंदा झूठ बोला हम लोगों के सामने। अभी मुन्ना भैया ने बताया कि हमने एक एक घर में जाके सर्वे किया। और सबसे मजे की बात यह है कि उस सर्वे में हमारे ही सिंगरौली के जितने गणमान्य लोग सिंगरौली विस्थापन मंच के नाम से यहां मंच चला रहे हैं, उन लोगों ने ताली बजाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, कितनी दलाली करोगे भाई एनसीएल की? और ये दलाली कर क्यों रहे हो? यह लाभ उनको क्या एनसीएल अलग से दे देगा? क्या मेरे घर का मुआवजा अगर 200 रुपए स्क्वायर फीट बनेगा तो क्या किसी दलाल के घर का 400 रुपए स्क्वायर फीट बनेगा? अगर बनेगा तो क्या हम बनने देंगे? तो फिर ऐसे दलालों से बचने की जरूरत है। वो हमारे मंच का कोई भी आदमी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे उनसे कोई डर नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोग जब एनसीएल में जाते हैं हमको यह सलाह दी जाती है कि दो समूह हैं और आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। हमारी उस समूह से कोई लड़ाई नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो जनता के लिए बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारी 24 सूत्री मांगों में 2-4 मांगे गलत हो। उस गलत को आप टेबल पर बैठकर डिस्कस करके उस गलत मांगों को कहीं ना कहीं आप क्लियर करिए, हम उस मांगों को वापस ले लेंगे। लेकिन हमारी 24 सूत्रीय मांगों को पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उसका जवाब नहीं मिला अभी तक। इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी सारी मांगे लीगल हैं। हमारी सारी मांगों का हमारे पास कहीं ना कहीं कोई प्रमाण है। एनसीएल कोल इंडिया के द्वारा भारत में जहां जहां भी विस्थापन किया गया है उसका जो मैक्सिमम लाभ है उसको देखते हुए हम लोगों ने यह लिस्ट बनाई है। और जो लार एक्ट इनका कहता है या जो इनका जो भी लैंड एक्विजिशन एक्ट कहता है, हम लीगल एडवाइज लेकर उसी के अनुसार अपनी मांगों को उनके सामने रखे हैं। आपने मढ़ौली में क्या किया, आपने निगाही में क्या किया, आपने घुरबी में क्या किया, यह नजीर पूरे सिंगरौली जिले से किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने हमसे वादा किया है कि हम आपके लिए अलग से नजीर पेश करेंगे। हम उसी नजीर की ही डिमांड कर रहे हैं कि आखिर वह नजीर पेश कब होगी, आखिर वह नजीर किस प्रकार की होगी। हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। और अगर इस हक की बात में हमारा कोई भी आदमी, हमारा कोई भी सहपाठी, हमारा कोई भी साथ का व्यक्ति अगर उनके पाले में जाकर हमारा नुकसान करता है तो वह हमारा नहीं है। इसको हमको समझना पड़ेगा।
हमारे घर में भी हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, अगर वह सामने एनसीएल में जाकर अपने लाभ के लिए हमारा नुकसान कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान है, यह वो नहीं देख पा रहे, लेकिन अपने नुकसान को वह दूसरे कार्यों में मेकअप करने का प्रयास कर रहे हैं। वह इतने लोग नहीं कर सकते। एनसीएल क्या देगा यहाँ पर? एनसीएल जितना आपको आर्थिक और सामाजिक और मानसिक नुकसान दे रहा है, उसका 1% भी आपको भरपाई नहीं कर रहा है एनसीएल। आगे हम यहाँ पर बसे, हमने यहाँ बाजार बसाई, हम कहीं भी बस सकते थे, हम बैढ़न बस सकते थे, हम बरगवां बस सकते थे, हम जहां से आए हैं वहां भी बस सकते थे, लेकिन हमने यहाँ बाजार बसाई। आज बाजार में जो व्यापार का मॉडल बना है, जिस व्यापार से कहीं ना कहीं पूरे भारत सरकार को टैक्स जाता है, तो फिर अधिकार हमारा भी उतना ही बनता है जितना बैढ़न में रहने वालों का है। तो हम उस अधिकार से वंचित क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर सेक्शन रूपी तीर चला दिया जा रहा है, और वह कब से चलाया जा रहा है? जब हमारे दादाजी यहाँ कानून को हुआ करते थे, उस समय भी हम लोगों ने अगर विकास की उनसे बात की, पिताजी बात करते थे, तो वह यही बोलते थे यह क्षेत्र उजड़ने वाला है। गलती एनसीएल से उसी समय हुई कि इस क्षेत्र को कोयला धारक क्षेत्र बोर्ड लगा के उनको साबित कर देना चाहिए था, ताकि यह विकास नहीं होता, लेकिन एनसीएल ने उस समय से आज तक हमारे साथ छलावा किया। एनसीएल ने कहा यह क्षेत्र हम नहीं लेंगे, यह बाजार के लिए हम छोड़ेंगे, हमारा भी व्यापार इसी से चलेगा, हमें भी कहीं ना कहीं अपने व्यापार में जो सुविधाएं मेन रोड से बाजार से चाहिए वह मिलती रहेंगी, तो वह रहेगा। लेकिन फिर एनसीएल ने अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे भी एक्वायर किया। एक्वायर आप करिए, हमें कोई परहेज नहीं है, हम सहृदय आपकी इस बातों को मानते हैं, लेकिन अभी तक एनसीएल ने हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कोई भी एक कार्य ऐसा नहीं किया है जो हमारे पक्ष में हो, और फिर हम सर्वे उनका होने दें। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें यह मीटिंग आज इसीलिए रखी गई है कि हमें सामूहिक रूप से अगर किसी का भी मैसेज आता है, सारे कार्यों को छोड़कर तत्काल वहां पर जाकर सर्वे को रुकवाना है। अब उस सर्वे को रुकवाने का प्रकार क्या होगा यह आपको बता दें, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें अपनी 24 सूत्री मांगों की चिट्ठी जो भी सर्वे करने वाला व्यक्ति आता है उनसे दिखानी है, और प्रेम पूर्वक कहना है कि हमारी ये बातें मान लो, और आप मान के हमारी चीजों को पूरा कर दो, हम अपनी इच्छा से पूरी नापी करवा देंगे, यही है ना, और इसी बात पे हमें आगे बढ़ना है। और कल हम लोग जा रहे हैं, कल हम लोग सीएमडी साहब से मिलने गए थे, उनका फेयरवेल था, कई सारे जीएम रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने समय नहीं दिया। कल उन्होंने कहा है डायरेक्टर और सीएमडी साहब के साथ हम लोग जितने भी लोग कल आ सकते हैं, आप सभी से निवेदन है, हमने उनसे क्लियर कहा है कोई लिमिट नहीं होगी। हम जब भी उनके यहाँ मीटिंग करने गए 15-20-50 लोगों के साथ गए, हम कभी भी किसी की तरह 4-3-2 लोग नहीं गए। हमने कल भी यह कहा कि आप सभागार खुलवा दीजिएगा, कोई लिमिट नहीं होगी, अब मोरवा का एक एक व्यक्ति आपसे टेबल टॉक करेगा, और उसके लिए हम आपको सक्षम बनाने के लिए ही यहाँ खड़े हैं। आपको अगर कोई जानकारी किसी भी विषय में नहीं है तो आप व्यक्तिगत, डैनी भैया का घर है बाजार में, आप उनके पास जाइए, उनसे कागज ले लीजिए, आलोक जी के यहाँ जाइए, इनसे कागज ले, सबके दुकानों में कागज घरों पे रखा हुआ, आप ले लीजिए, और अपनी नापी, अपना गणना पत्रक एक रजिस्टर बना लीजिए, आप अपने अनुसार करवाइए, और कोई भी फर्जी नापी नहीं होगी। जिस तरह मेढौली में आरपी सिंह ने बताया कि किस तरह बरगलाया गया, ऐसे मेढौली में ही नहीं बरगलाया गया, पूरे इस जिले को बरगलाया जा रहा है, चाहे सड़क के नाम पे बरगलाया जा रहा है, बिजली के नाम पे बरगलाया जा रहा है, पानी के नाम पे बरगलाया जा रहा है, रोज आपको बरगलाया जा रहा है, लेकिन उसमें हमको नहीं जाना है। और इस मंच से किसी भी पार्टी की नेतागिरी नहीं हो रही है, एकदम दिमाग से क्लियर समझ लीजिए, यह हमारे और आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, और व्यक्तिगत को लड़ाई को जब तक आप व्यक्तिगत दिल से नहीं लड़ेंगे, दिमाग से जब लड़ेंगे ना तो लड़ाई में आप हार जाएंगे। दिमाग एनसीएल लगा रहा है, हमारे ही बीच के लोग विभीषण बनकर, मैं एकदम अभी भी कहना चाह रहा हूं, हमारे ही बीच के लोग विभीषण बनकर हर बातों को एनसीएल को बता रहे हैं।
उनका हमें विरोध करना है, उनकी कोई भी बातें नहीं माननी है। अभी पता चला है कि ये लोग लिख के दे दिए हैं कि 10 नंबर का जो मुआवजा बना है उसी के अनुसार हमको दे दिया जाए। हमें 10 नंबर का मुआवजा मंजूर नहीं है, क्या आप लोगों को मंजूर है? तो 10 नंबर का मुआवजा हमें मंजूर है। जो बैठन का हमसे नजदीक का वार्ड है, वहां का जो कलेक्टर गाइडलाइन है, आप उसके अनुसार हमारा मुआवजा बनाइए, तब हम आगे बातें करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, पूरी रात खत्म हो जाएगी, बहुत लोग हैं, सबकी बातें सुनिए, लेकिन आप कार्य वही करिए जिसमें आपका लाभ हो, आपके परिवार का लाभ हो। क्योंकि एनसीएल भारत की बात जरूर करता है, लेकिन वह सरकारी कारपोरेट है, वो अपने लाभ के लिए आपको आखिरी दम तक छलावा करेगा, आपकी हत्या तक करवा देगा। मैं आपको बता दूं, जो ठेकेदार एनसीएल में जाकर अपनी बातें कहता है उसे डंपर चढ़वा दिया जाता है। आप देख लिए अभी 3 दिन पहले डंपर चढ़ा है, वह डंपर क्यों चढ़ा है इसकी कहानी मैं अभी मंच से नहीं बताऊंगा, आप व्यक्तिगत कभी मिलिएगा मैं बताऊंगा कि वह डंपर क्यों चढ़ा है। तो एनसीएल बहुत छोटी चीज नहीं है जिसको आप आसानी से टेबल पे बैठ के सोच रहे हैं कि हम बिना गए और बातों को मान लेंगे और मनवा लेंगे, उस तरह का एनसीएल नहीं है। एनसीएल बहुत मोटी चमड़ी है और एनसीएल से लड़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक साथ होना पड़ेगा। एक बार सभी लोग बोलिए, मोरवा एकता, मोरवा एकता, मोरवा एकता। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। मैं मंच के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूं कि सिंगरौली विस्थापन का अगर 10 नंबर वार्ड या 9 नंबर वार्ड में कोई व्यक्ति दुखी हुआ हो अपने मुआवजे प्रकरण को लेके, किसी को अपनी बातें कहनी हो, तो वो इस मंच के माध्यम से सभी के बीच में कह सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है हम सभी के बीच में, तो अपना हाथ उठाएं, हम उनको अपना माइक देंगे, वो अपनी बात रखें। हमें आज कहते हुए ऐसा लग रहा है कि सिंगरौली की जनता अब जाग चुकी है। जो दंश वार्ड नंबर 10 के लोगों ने झेला, वो अब हम लोग नहीं झेलेंगे। हमारे बीच में एक सज्जन आए हैं, क्या नाम, सुखई प्रसाद विश्वकर्मा जी, 10 नंबर वार्ड से विस्थापित हुए हैं, इनका दंश है, इनकी बातें सुनी जाए। दोस्तों, अभी एक सूचना आई है, मतलब मित्रों के साथ से, जैसे अभी राजेश ने बोला, संचालन महोदय ने, उन्होंने ये कहा 9 धारा लगने के बाद जो नौजवानों की मृत्यु हुई है क्या उसको मुआवजा मिलेगा। 38 साल, 40 साल, 42 साल के जो नौजवान हमारे गुजरे हैं, हमारी कोशिश रहेगी, मैं अभी राजेश जी से चर्चा करूंगा कि जो हमारे बीच में हमारे मित्र बिछड़ गए हैं हम उनको मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि 9 धारा लगने के बाद मौतें हुई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में 10 नंबर वार्ड से अपना दर्द सुनाएंगे, सुनते रहिए। बहुत हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है, बीच बीच में सुझाव आ रहे हैं कि इन्होंने कहा कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग रेट होगा, मित्रों ये भी नहीं होने देंगे, सबका एक जैसा रेट होगा। धन्यवाद। हमारे मिढ़ौली में 10 नंबर वार्ड में घर के अगल बगल काट के कोयला निकाल दिया है, बिजली रास्ता पूरा खत्म कर दिया है, बीच में घर टापू पर छोड़ दिया है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है, माफ बीचों बीच है, उसका आज दिन तक कोई सुनने जानने वाला एनसीएल कभी नहीं जाकर पूछा कि क्यों, किस कारण से रुका है और क्यों हो। और जहां 10 लाख रुपया बनाया था वहां जो है तो लाख रुपया दे रहा है, जबकि 10 लाख रुपया का नोटिस दे चुका था
और इसके बाद भी जो है तो नहीं मान रहा है, लाख रुपया में वो भी भुगतान नहीं दे रहा है और घर गिराने के बाद चार महीना के बाद जो है तो मुआवजा दे रहा है, घर गिरा लो इसके बाद जो है तो मुआवजा दे रहा है और वो भी जो है 10,000-12,000 रुपया पेपर का जो है बनवाई लग रहा है, घर में सटा के ब्लास्टिंग कर रहा है, घर से बाहर 12 बजे दिन निकाल दे रहा है, एकदम गुंडागर्दी से काम कर रहा है, कोई रोजगार कोई काम नहीं दे रहा है, नहीं ढंग से मुआवजा दे रहा है, खाली पुलिस प्रशासन लेके काम चला रहा है गुंडागर्दी से। और अभी कम से कम नहीं तो 5-6 लाशें जो है तो कंपनी ये आया तब से जो है घटना कर दिया, वकील का कोई साबूत कोई प्रूफ नहीं दिया कि किस कारण से घटना हुआ कैसे हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुख भरी आवाज है, ये अभी तो हमारे बीच में ये सज्जन आए हुए हैं, शायद ये आवाज हमारी भी हो सकती है। ये आवाज हमारी इसलिए होगी कि जो घटनाक्रम 10 नंबर वार्ड में बीता है ये हमारे साथ आने वाले समय में होता है, तो हम भी इसी तरह से मंच को खोजेंगे और अपनी व्यथा को सुनाएंगे। तो मेरे मित्रों अभी भी जागने का समय है, हम अपनी बातों को मंच के माध्यम से एक होकर, और सिंगरौली की जनता वो जागरूक जनता है कि किसी भी आंदोलन को करने के लिए भरपूर जागरूक रहती है और उस आंदोलन को अपने निष्कर्ष पे लेती है। हमारे बीच में मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, 2 मिनट। ये लोग नजीर की बात करते हैं, जो अधिकारी पूरी जिंदगी 40 साल रहने के बाद अपने घर में अपने पैसे से पेंट नहीं करा सकता है वो हम लोगों का दर्द नहीं समझ सकता है। एक दिन हमारी बिटिया एनसीएल के क्वार्टर में गई और बोली, पापा क्या ये लोग अपने पैसे से अपने घर का पेंट भी नहीं कराते हैं? इंटीरियर की तो बात छोड़ दीजिए, प्लास्टिक की नल से पूरी जिंदगी बिता देते हैं, तो हम लोगों का दर्द उनको समझ में नहीं आएगा, उनको क्या समझ में आएगा? हम लोग आते हैं, साहब साहब साहब, अरे काहे के साहब, तुमसे अच्छा रहते एक बार एक अधिकारी पापा को जब आए तुम काम बात करे। मैं बोला, यार बहुत खराब लगा मेरे को, मैं बोला ये साहब सुनो, तुमसे अच्छा रहते हैं, तुमसे अच्छा खाते हैं, तुमसे अच्छा पहनते हैं, वो भी अपने पैसे से, टेबुल के नीचे वाले पैसे से नहीं। तो ये हम लोगों की गलती है, हम लोग अपने स्वार्थ में इतना गिर गए हैं जो हम लोगों को वो लोग जो है इस तरह से करें। पूरी जिंदगी प्लास्टिक का नल, अभी बाजार में 75% घरों में जैगवार के नल लगे हैं, महंगे से महंगे नल सिंगरौली में बिकते हैं, महंगे से महंगी टाइल्स बिकती है सिंगरौली बाजार में बिकती है। ये लोग पूरी जिंदगी, अभी आप सी टाइल्स पे चले जाइए, एक अपने आप को सिर्फ सबसे वीआईपी कॉलोनी है, एक पूरा कबूतर खाना बना हुआ है भाई साहब, पूरी बिल्डिंग में कभी झाड़ू नहीं लगती है, पूरे कबूतर हफ्ते रहते हैं और उसी सीढ़ी से आना जाना उनका चलता रहता है, आप घर में बर्दाश्त करते हैं? तो उनका दर्द हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, हम लोग उठे मालिक पे चिल्लाते रहे और हम लोग साहब साहब कहते रहे, ये साहबगिरी नहीं चलेगी भाई, हम जो चलेगा ये मंच के माध्यम से चलेगा, हम जो हमारा मंच जो मांग करेगा वो पब्लिक की मांग रहेगी। इसलिए आगे हमारे युवा नेता शेखर सिंह जी हैं, 1 मिनट हम पहले हमारे आलम जी कुछ कहना चाहते हैं। सारे भाइयों को नमस्कार, मैं 9 नंबर से आलिम खान, वार्ड नंबर 9 और सेक्शन 9-99 के चक्कर में हम लोग पड़ गए हैं और कल से विस्थापन का नोटिस है, तो आज से ही हम लोग उसको रोकने के फूल तैयारी में रहे। और बहुत लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक हो रहा है घर हिल रहा है, बर्दाश्त कीजिए नहीं तो 2 पुश्ती की जिंदगी हिल जाएगा अगर हम लोग संयम नहीं रखेंगे। तो दूसरी बात, ये एनसीएल हम लोगों को उजाड़ने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज किया है, तो आप लोग जब कल जाएंगे तो पूछेंगे कि हमको बसाने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को बुला रहे हैं, तो बसाने वाले भी डीएलएफ है, प्रेस्टीज है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने भारत देश में है जो बसाता है, कॉलोनाइज है, कॉलोनियर्स है, तो जब हमको उजाड़ने के लिए बुला सकता है तो बसाने के लिए भी बुलाए और 10% कम से कम ले आउट करके प्लान करके हमको बताएगा तभी हम कुछ करने देंगे, और नहीं तो हम अपने घर को कवर बना के दफन हो जाएंगे छोड़ने वाले।
पड़ा हुआ है, हम पूरे घर छोड़ देंगे क्या? तो हम एक इंच जमीन बेगर माकूल बेगर वाजिब मिले हुए हम किसी तरह से नहीं देंगे, चाहे जहां तक आंदोलन करना होगा वो करेंगे। और हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है, कहीं पर रहने वाले नहीं है। और सब प्लानिंग करके अपने विस्थापन मन से बोलते हैं, प्लानिंग करके हर महीने, ये अभी एक तारीख को जब ये नोटिस आया तो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी से भी नहीं होगा। हर एक तारीख डिसाइड करके कि उस डेट को हमको कंटिन्यू, जब तक ये हमारा मीटर शॉर्ट आउट नहीं होता है, हम मीटिंग पर मीटिंग करते रहेंगे और अलग जगाते रहेंगे, है ना? इसी बात का हम लिखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। वास्तव में अलग जगाने का जरूरत है, हमारा अलग जगह। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे, मोरवा एकता जिंदाबाद, मोरवा एकता जिंदाबाद। दोस्तों, एनसीएल का फरमान पेपरों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सबको मिल गया होगा कि कल से नापी होगा। और नापी होगा और कैसे होगा और क्या होगा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमको मिलेगा क्या। हम अपने तीन तीन पीढ़ियों का बलिदान दे रहे हैं, हम लोग अपने तीन तीन पीढ़ियों का बलिदान दे रहे हैं और हमें मिलेगा क्या, ये किसी को पता नहीं है। एक तरफ मुआवजा प्रोजेक्ट के लोग बैठे हुए हैं, जिनको मुआवजा घर बना लिए है, जो कैसे जैसे तैसे बना लिए घर, उनको तो पहले पैसा चाहिए, वो नहीं देखेंगे आपकी बात। मगर जो ये बिल्डिंग बना है, इनको तो पैसा चाहिए, क्योंकि इसमें इनका जिंदगी बसी हुई है तीन तीन पीढ़ियों की। तो मेरे दोस्तों, आप लोग कल हमारे राजेश भाई बता रहे थे, बहुत कुछ बता चुके हैं। जब तक एनसीएल हमारा रोड मैप नहीं बताता है, सार्वजनिक नहीं करता है, तब तक नापी नहीं होने देना है। अगर बीच में कोई नापी करवाने के लिए हम लोग के बीच का भाई आता है तो बीच जूता मारिए उसको, क्योंकि जब तक बताओ जो को कहां बसाओगे, बसाहट बताई नहीं। मेरे भाई ने ठीक बोला, अब टाटा कंपनी को बुला रहे हैं कि नापी करो, तो हमको बताओ बसाने वाला कौन सी कंपनी है जो हमको बसाएगी। पहले हमको बसाओ, मेरा रुपया कितना दोगे, जिसमिल है तो कितना मिलेगा, मेरे घर में लिखित दो ना। कोई बताता है वो मंच 15 लाख मिल रहा है, कहाँ लिखा हुआ है बताइए मेरे को, कहीं लिखा हुआ है क्या 15 लाख? कहीं लिखा हो तो बताइए मेरे को। कोई कहता है कि 5, एक मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट में, जिसमें बोले कि आप लेना है तो भानुगढ़ में ले लो, अरे तो 1,37,000 रुपया देंगे। अरे बेटी, 37,000 मार्ग मंगवा देंगे, 37,000 दोगे, 1,37,000 मेरे घर का काम समझा दीजिए। जो मेरा घर है वो घर तो बया करेंगे ही। एनसीएल कान खोल के सुन ले, आप शासक कान खोल के सुन ले कि ये खून की नदियां बह जाएंगी, भाई भाई लड़के मर जाएंगे अगर पैसा नहीं मिला तो। सलाह वही जीवन है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, जितने लोग हैं सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ रोजगार पाने जाएंगे? ये ठेला वाला गुमटी लगाता है, परिवार चलाता है अपना, कहाँ जाकर चलाएगा? अब बताओ ना, कहाँ बसा रहे हो? तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी एकता को बनानी होगी, और जब तक एकता नहीं बनाइएगा, सब घास भूसा की तरह नोच के फेंक देंगे आपको। अब देख लीजिएगा, फूट डालेंगे और राज करेंगे सब, एनसीए फूट डालेंगे और राज करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अपनी एकता को बरकरार रखिए, एनसीएल से झुकने की जरूरत नहीं है, जिला प्रशासन से झुकने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन लाठी मारे तो भी लाठी खाइए आप लोग, और लड़िए, अपने हक को मांगिए। नहीं मांगिएगा तो बगल से भगत सिंह नहीं आने वाला है, सबको भगत सिंह बनना होगा, बाहर से भगत सिंह नहीं आएगा, हर घर में भगत सिंह को जगाना होगा। अलग से नहीं जगाइएगा, अपने भगत सिंह को नहीं जगाइएगा तो आप लोगों को मुआवजा उवजा नहीं मिलेगा, 44 छाप 10 नंबर की तरफ दे देगा। अरे सलाह, हम किस वार्ड में है समझने की जरूरत है, और हमको तुम कौन से वार्ड का पैसा दे रहे हो? अरे दो ना 45 नंबर वार्ड का पैसा तो दे ही नहीं रहे हो। सबसे पहले मेरा रोड मैप
तैयार हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, जिससे कि हर व्यक्ति को पता चले, कैलकुलेशन कर सकते। एक कैलकुलेशन सीट आई हुई है, उस कैलकुलेशन में पता तो चले कि हमको कितना मिलेगा। कहीं जाएंगे तो हमको घर भी बनाना होगा, कहीं रोजगार भी हमको खड़ा करना होगा। क्या करेंगे हम? अब 20-40 से रोजगार बैठा के रखे हुए, दुकान घर में स्टोर चला जाएगा, कहा जाएगा फिर भी महंगा हो जाएगा, जाएगा दिल्ली बॉम्बे, वहां कॉम्पिटिशन में फेल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा कॉम्पिटिशन फेल? भगवती गवर्नमेंट कहा है बैठे गाय का डॉक्टरी कहीं भी करिए, इधर उधर नहीं उतर पाइएगा, क्योंकि ये आपका बसा बसाहट है, बसा बसाया बसाहट है। इसलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप लोग एक होइए, एक होंगे तभी वो झुकेंगे, नहीं तो एक गुट तैयार है समझौता करने के लिए। एक गुट तैयार हो गया है कि हमको जो मिल जाए हम लेके भागेगा। प्लास्टिक का बोलता है कि प्लास्टिक हो रहा है, आज से प्लास्टिक हो रहा है, है? प्लास्टिक कब से हो रहा है? जब से यहाँ माइन से तब से प्लास्टिक हो रहा है, वो यार से प्लास्टिक नहीं हो रहा है। प्लास्टिक होगा गिर जाएगा मकान, अरे गिरने दो, जब तक दो चार लहू नहीं बहेगा ना तब तक क्रांति नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए शांति की शादी क्रांति से करानी होगी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। जब तक शांति की शादी क्रांति से नहीं होगी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। जय हिंद जय भारत। शादी की क्रांति से शादी होगी, क्रांति और शादी बधाई हो, बधाई हो। हमारे बीच विनोद भैया आपकी भी, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ और बहुत ही पुराने सिंगरौली के बसाहट में आपका काफी योगदान भी रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी सिंगरौली के बुजुर्ग हैं उनका योगदान निरंतर इस सिंगरौली को बसाने में रहा है, बचपन से लेके आज तक। इस सिंगरौली के लिए सभी लोगों ने अपनी त्याग और अपना जीवन खपाया है, एक एक करके ईंट बना बना के मकान को तराशा है, और उस सभी चीजों को हमारे वरिष्ठ माननीय श्री नरेंद्र चंद जी भलीभूत जानते हैं और दर्द भी समझते हैं। इसलिए आपके बीच हम आदरणीय से कहेंगे कि अपना सुझाव दें और इस जनमत को किस तरह से लोगों को अपना हथियार बनाना चाहिए, यह सुझाव आप। आज गला थोड़ा हमारा बहुत ठीक नहीं है, पुनर्स्थापना मंच में उपस्थित सभी मोरवा वासियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं चूंकि हम लोग ये जितना आप लोग सभी देख रहे हैं, फल मंडी हो चाहे ये बाजार हो चाहे सब्जी मंडी हो, बड़े संघर्ष और लड़ाई करके इस सिंगरौली की स्थापना हम लोगों ने की थी, नहीं तो इसी महुआ के पेड़ के नीचे मात्र 3 सब्जी की दुकान हुआ करती थी, किराने की दुकान सिंह कंपनी के पास कालीचरण चाचा स्वर्गीय माता प्रसाद जी इन लोगों का हुआ करता था। इस सिंगरौली को बसाने में हम लोगों ने बहुत काफी संघर्ष किया, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से किया, फिर नगर निगम से किया, तो आज हमारी बाजार सुसज्जित है। और सबसे बड़ी बात है कि मोरवा हम 5 मीटिंग जो हमारे बाजार के अपने ही साथी हैं, नाम लेना उचित नहीं है बच्चों के सामने, हम उम्र सभी लोग हैं, हम लोग एनसीएल के सीएमडी के साथ 5 मीटिंग में मैं साथ रहा, और मैं हर मीटिंग में कहता रहा अपने मित्रों से कि हम तो एनसीएल के से बात कर रहे हैं, हम सभी मोरवा के जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो हम बात क्या कर रहे हैं वो जनता को भी बताने की जरूरत है। लेकिन बार बार मुझे ये कहा गया कि भैया सेक्शन 9 तो लग जाने दीजिए,
आप थोड़ा उग्र मत होइए, क्योंकि सीएमडी साहब के सामने मैं 2-3 बार उग्र हो गया था कि मेरे गेट के बगल का एक ईटा कोई गाड़ी वाला तोड़ के जाता। मैं सुबह जब उठता हूँ सीएमडी साहब, तो मुझे गाली के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कौन साला माधरचोद मेरा ईटा तोड़ दिया। और आप तो मेरा घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो बड़ा लोग रिक्वेस्ट करके आप थोड़ा सेक्शन 9 लग जाने दीजिए। सेक्शन 9 लग गया। अंतिम मीटिंग में हमसे कहा गया कि अरे भैया आप इतना क्यों उग्र हो जाते हैं, आप हम लोगों का सब हो जाएगा। हमने कहा मतलब, हम लोगों का मतलब क्या, मैंने हम लोग अपने लिए आ रहे हैं क्या कि मेरा मुआवजा बन जाएगा। हमने कहा नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, अपने लिए मैं नहीं लड़ता। मैं स्वयं में सक्षम हूं अपनी लड़ाई सिंगरौली के प्रशासन से लेकर के और हाईकोर्ट तक, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं जनता के लिए लड़ता हूं। अगर तुम्हारी नियते है कि हम लोगों का ठीक हो जाएगा, तो आज से जय राम जी बाय बाय। मैं नहीं करता। इस शब्द से आप लोग अर्थ निकाल लीजिए कि जो सिंगरौली विस्थापन मंच, जिसका मैं खुद संरक्षक हूं, मैं क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि लोग निजी स्वार्थों में पड़ गए और सिंगरौली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा लोगों ने करना शुरू किया। और धीरे से मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, मैं लखनऊ पीजीआई में 2-3 महीना परेशान हो गया और उसके बीच में भालूगढ़ का चिन्ह निकाल दिया गया। अब वो समझ लीजिए, जिन इतना भयानक था कि उस जिन को खत्म करने में आप लोग कलेक्टर महोदय के पास गए होंगे मीटिंग में, मैं तो नहीं गया था, क्या उनका रूप रहा होगा, अभी बयान मुन्ना जी ने कह दिया। लेकिन उसके बाद एक दिन मैं कलेक्टर महोदय के पास 45 मिनट अकेले बैठा और उस पूरे जिन को खत्म किया। और आज प्रशासन, आप लोगों के युवाओं की एकता और युवाओं के जोश ने भालूगढ़ शब्द को मार डाला है। अब प्रशासन के मुंह से भी निकल रहा है कि सोचना पड़ेगा। तो यहाँ जो शेखर बाबू बोले कि हर घर में भगत सिंह है, जगाने की जरूरत है, आपका हक लेना है, मुआवजा लेना है, तो सजग रहिए, सतर्क रहिए। और सबसे ज्यादा सतर्क उनसे रहिए जो सिर्फ एक साल के अंदर पैसा कमाने के लिए कोई बरगवा से आया, कोई बैढ़न से आया, कोई मोरवा से ही होगा, और दुनिया भर का टीना छा करके तमाम छतरी बना लिए हैं और सबको डर ऐसा लग रहा है कि बरसात में मेरा गिर न जाए। तो जल्दी नापी कर लो, जल्दी नापी कर लो। अगर इस टाइप का कोई भाई इसके बीच में बैठा हो तो उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नापी करने से मुआवजा तो नहीं मिलेगा। ये तय कर लो कि नापी करने से मुआवजा नहीं मिलता है। मुआवजा तब मिलेगा जब उसका प्रारूप बनेगा कि यहाँ की जनता कहाँ जाएगी, बसाहट क्या होगा, फिर उसके बाद कटघरी कौन सी तुम्हारी है, फिर भौतिक सत्यापन होगा, बहुत सारी चीजें प्रक्रिया हैं। तो हम यही 2 दिन पहले कहे, नापी का जैसे सुने, आप सभी युवाओं से आग्रह है कि आप सभी मुस्तैद रहें। किसी का घर कोई कंपनी वाला नापने जाता है तो उसको आईडी मांगिए, समझाइए कि बाबू ये काम नहीं करो, चले जाओ। अगर समझाने से बात बन जाती है तो बना लीजिए, नहीं तो 10 लड़कों का ऐसा ग्रुप रखिए कि उस आदमी को बाल पकड़िए, अचार झापड़ मारिए। हम लोग झेलने के लिए तैयार, कोर्ट बैठे हुए हैं, कोर्ट बैठे हुए हैं, हम लोग झेल लेंगे। लेकिन उसको बगैर दवा के, क्योंकि देखिए जो नौकरी करने आया है वो मार खाने नहीं आया है। जब आप एक बार प्रताड़ित कर देंगे 1 घंटे ना, ऐसे भागेगा, कलकत्ता चला जाएगा। बोले हम नहीं जाएंगे भैया, आप जाइए सर, जिसको नपवाना नपवा ले। ये टेलर आप लोगों को कल पेश करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहिए। और बाकी शासन प्रशासन केस हम लोग देखेंगे। हमारा घर है, हमारा राइट है, हमारी जमीन है, हमारी धरती है। बगैर मेरे परमिशन के, बिना किसी अपराध के, श्रीमान टीआई साहब भी मेरे घर में नहीं घुस सकते हैं, तो वो कौन होता है घुसने वाला?
बिना किसी अपराध के, बिना मेरे परमिशन के मेरे घर में प्रशासन भी नहीं घुस सकता, तो वो कौन होता है नापने वाला? तो नापी तो कोई मत करने दीजिए, जो मुआवजा जीवी लोग हैं, अब तो हम यही कहेंगे मुआवजा जीवी लोग जो हैं उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नुकसान आपका वही लोग करवाना जा रहे हैं, करवाने वही लोग जाएंगे जो आपका नुकसान है, तो उनको रोकने का प्रयास करिए। और जिसके यहां भी पता चल जाए मैसेज हो कि ये चार लोग कैमरा लेकर के फीता लेकर के नापी करने जा रहे हैं, चार छह दस लड़के मोटरसाइकिल से तुरंत जाए और उनका जो है फीता सीता छीन करके उनको लेकर के आ जाइए कि अब मार मत खाओ चले जाओ। जैसे आप कल करेंगे ये आपका संदेश दिल्ली तक चला जाएगा कि वहां विस्थापन ऐसे आसान नहीं है करना, तो इसकी जरूरत है जागृति की। और बिना युवाओं की ताकत और जोश के हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम आपको संरक्षण देंगे, हम आपको नसीहत देंगे, हम आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ताकत तो आप हो हमारी। अगर हमारी ताकत आप हो, आप सभी युवा जागृत रहोगे, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि सबका भला होगा, पूरे मोरवा का भला होगा और सबको अपना हक मिलेगा। हक लेना है तो भाई लड़ना तो पड़ेगा। और जमीन का लोग कह रहे हैं ना कि 1,37,000, हम व्यक्तिगत तौर पर बात किए तो कलेक्टर महोदय बोले वो तो मेरे मुंह से निकल गया, गलत है सिंह साहब, नहीं होना चाहिए, ये तो है प्रशासन, वो चीज भी समझ रहा है। जमीन का मुआवजा 50% पर ईयर ग्रोथ करता है। आज अगर कोई आपकी जमीन का कहता है कि प्लाट नहीं लेंगे तो हम आपको 10 लाख दे देंगे, आ तो कह देगा, लेकिन पैसा क्या जो दे रहा है वो आपसे बांड कर लेगा, कह देगा दे देंगे और 5 साल के बाद 10 लाख देगा, तो वो 5 साल में 10 लाख में 1 डिसमिल जमीन आप पाएंगे, 4 डिसमिल नहीं पाएंगे। तो पैसे की वैल्यू तो 10 लाख है, जमीन की वैल्यू तो हो गई जो है 40 लाख। तो इसका भी जो भी मीटिंग करने जाते हैं ध्यान रखा करें कि प्लाट की कीमत अगर वो 10-15 कहते हैं तो बड़ा कम है, इस बात को आप लोग समझिए। बहुत सी चीजें टेक्निकल है जो आज बात हो जाएगी कल न होगी। 15 लाख भी बोले हैं ना, लिखित किसी को दिए नहीं है, एक थे मिनट साहब मीटिंग बनाए हुए, तो मिनट साहब मीटिंग है वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, मीटिंग में तो कुछ भी लिख होता है, तो मीटिंग करते समय वो बात आई है लेकिन स्वीकृति नहीं है। इसलिए एक एक चीजों का जब तक आपके पास एनसीएल पूरी तरह अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ लिखित नहीं दे देता है तब तक एनसीएल की एक इंच बात पर आप लोग भरोसा मत करिएगा। वो सब बड़ी मोटी चमड़ी वाले हैं और सब कर्मचारी हैं और कारपोरेट के कर्मचारी हैं, उनका एक ही फंडा होता है हम अपने कंपनी का क्या बचा लेंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद वही अधिकारी कुत्ता को लेके रोड पर पिशाब कराते हैं, आदमी कोई बोलता नहीं उनसे, ये इनकी दुर्गति है, लेकिन करें क्या, आदत से मजबूर है। इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, गला खराब है, आप सबसे यही कह रहे हैं। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं अपने युवा साथियों से, कल से कहीं भी पता चले कि नापी कोई कर रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मेरा घर नहीं उसका नाप रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है 4-6-10 लोग वहां जाइए और उसको समझाइए, नहीं मानता है तो उसका फीता उता छीन लीजिए और 2 झापड़ जड़ दीजिए, बस खून भरना निकले, कुछ नहीं होगा, ये पब्लिक है कुछ भी कर सकती है, मैं प्रशासन को भी सुना रहा हूं। आपको अपना हक लेना है तो भाई गरम नरम कहां जरूरत है पढ़ना पड़ेगा, न्याय तभी मिलेगा और न्याय लड़ने से मिलता है, न्याय मांगने से नहीं मिलता, ये कोर्ट भी करती है, तो अब हमारी लड़ाई शुरू होगी। और आप लोग पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से गलत रास्ता न अपनाइए, किसी को मार के कपाल मत फोड़िए, किसी का पैर मत तोड़िए, एक लिमिटेशन में काम करिएगा, हम सभी की छत्र छाया आप लोगों पर है। धन्यवाद, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस जानकारी से अवगत करा दूं कि कल से नापी जो होने जा रही है, ये जनमत संग्रह इसलिए था कि अगर नापी में सिंगरौली में किसी के मकान पे नापी के लिए कोई भी टीम जाती है, चाहे वो एनसीएल की हो चाहे टीआईएसएस की हो, ग्रुप में डाले, चार लोगों को फोन करे और हम सभी लोगों, ये पूरे सिंगरौली का दायित्व तो है कि किसी के पास खबर आता है तो वो चार लोगों को इस संचार के मोबाइल के माध्यम से खबर करे और हम तत्काल उसके मकान पे पहुंचे और उस नापी को रोके और अपनी 24 सूत्री मांगों को पहले उनसे वार्ता करें। तो आप सभी सिंगरौली वासियों से यह मेरा निवेदन है कि अपनी मांग को रखने के लिए एक रहें और अगर कोई नापी वाला आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत खबर करें और लोगों में यह जागरूकता फैलाए रहें कि कहीं भी कोई नापी के लिए आता है तो तुरंत सबको बताएं और एकजुट होने का आह्वान करें। हमारे बीच में हमारे डैनी भैया बैठे हुए हैं और इस समय विस्थापन मंच के बहुत जानकार, चूंकि इन्होंने बहुत दिल से पढ़ाई और धाराएं कानून के विशेषज्ञ हैं, इनसे हम कहेंगे कि अपनी बातें रखें और इस जनमत संग्रह का एक अवलोकन। सभी को नमस्कार। ये जो आज ये मंच की तरफ से जनता के बीच में हम लोगों ने आने का जो कार्यक्रम बनाया, उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि कल से होने वाली नापी को हमें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए और इसमें जनता का विचार क्या है। अब चूंकि आज तक एनसीएल ने हमारे 24 मांगों को न तो विचार किया है और न ही उस पे अपना कोई भी आश्वासन या उसके विषय में कोई निराकरण किया है, तो हम लोगों ने मंच के माध्यम से यह आह्वान करना उचित समझा कि जब तक हमारी मांगों को एनसीएल निराकरण न कर दे तब तक हम नापी न होने दें। देखिए, ये जमीन या हमारी जो संपत्ति है वो हम लोगों को नानी के घर से नहीं मिली, हमारे पिताजी लोगों ने अर्जित की है और एनसीएल मेरा दमाद नहीं है कि हम उनको औने पौने दामों में दे देंगे, दहेज नहीं है। तो हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अगर हम उसमें अगर आज भी चूक जाएंगे तो कल से नापी होने के बाद कुछ नहीं होना, वही हाल होगा जो मिढौली में 10 नंबर का हुआ है। एनसीएल सबसे पहला काम जो एनसीएल को करना था वो लार एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 16 1, 2, 3, 4 सब सेक्शन है, उसके हिसाब से हमें रोड मैप बना के देना था और प्रशासन की मौजूदगी में आम सभा बुला के हमें यह बताना चाहिए था कि हमें क्या मिलेगा, कहां बसाहट होगी, जहां बसाहट होगी वहां हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी और अगर हम वहां बसने के लिए इच्छुक नहीं है तो हमें उस जगह की क्या रकम मिलेगी। यही सब चीजों में गहन अध्ययन करने के बाद 24 सूत्री मांग हम लोगों ने दी और बहुत खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतने पढ़े लिखे लोगों के
एक टीम जो एनसीएल के पास है, उन्होंने आज तक हमारे 10 पत्र गए हैं, उनका एक भी जवाब एनसीएल की तरफ से नहीं आया। कल हम लोगों ने एक पत्र और दिया है जिसमें यह आग्रह किया गया है कि यह नापी रोक दी जाए और नापी करने का काम 24 सूत्री मांगों पर निरा करने के बाद ही एनसीएल शुरू करे और उस पत्र की कॉपी यहां से लेके माननीय कलेक्टर, चेयरमैन कोल इंडिया, माननीय मंत्री कोल एंड माइन सभी को प्रेषित कर दी गई। अगर ये नापी नहीं रुकवाते हैं और ये घर घर जाना शुरू करते हैं तो हम नापी रोकने के बाद अपने पत्र के माध्यम से इनको यह भी बताया है कि हम आगे विवश हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। तो अगर यहाँ आपको दहेज में अपना मकान, अपनी दुकान, अपना व्यापार नहीं देना है तो आप तैयार रहिए कि आगे आपको आंदोलन भी करना पड़ेगा, लड़ाई भी करनी पड़ेगी। और उस लड़ाई की शुरुआत आज कल दिनांक 1 से हो गई जिसमें हमें नापी रोकना है। बाकी मेन जो हम लोगों की मांगे हैं वो मांगे हैं कि हमें वन टाइम रीसेटलमेंट अमाउंट कितना चाहिए, हमें प्लॉट के बदले कितना चाहिए, हमें एनयूटी राशि कितनी चाहिए, इसी तरीके से हमारा व्यापार कहाँ जाएगा, व्यापार को स्थानांतरण के दौरान जो भी समय लगेगा उसके नुकसान की भरपाई क्या होगी, ये सब चीजें 24 मांग पत्र में लिखी हुई है। तो वो निराकरण करने के पहले हम नापी न होने दें, अगर होगा तो फिर हमारे पैर में हम खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे और उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे बगल में ही 10 नंबर वार्ड का है। अब आपको एक उदाहरण मैं छोटा सा दे देता हूं। अन्य मंच ने अपनी सहमति जताई है कि 10 नंबर वार्ड का जो कलेक्टर गाइडलाइन रेट है उसी के हिसाब से हमें दे दिया जाए, हम उसमें सहमत। हम लोगों ने जो एक्ट के हिसाब से मांग की है वो यह किया है कि नगर निगम क्षेत्र में जिस वार्ड की कीमत या जहां की कलेक्टर गाइडलाइन सबसे ज्यादा हो वहां का रेट हमें दिया जाए। एक उदाहरण देता हूं कि अगर 10 नंबर वार्ड का 9500 रुपए रेट है तो जो सबसे ज्यादा है वो लगभग 19500 है। तो आप सोचिए कि हर वर्ग मीटर पे लगभग 10000 रुपए की यहां और वहां में भिन्नता है। अगर यह हो गया तो हमारे इस 30,000-40,000 परिवार का कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब आपको अगर 15,000 करोड़ का नुकसान अपना नहीं दिख रहा है, आप जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं? एनपीएल के पास पैसा देने की कमी नहीं है, मांगने की हमें जरूरत है और वो हमने मांग की है। जब तक उन मांगों पर निराकरण न हो तब तक हम किसी भी प्रकार की आगे की इनकी कार्यवाही में सहयोग न करें और जिस दिन हमारे निराकरण हो जाए उस दिन से हम तो खुद कहेंगे कि भैया जल्दी लो, खांसी आ रही है तो किसी का नाक हो रहा है, किसी का फेफड़ा जा रहा है, किसी का किडनी जा रहा है, कौन रहना चाहता है? तो जब तक हमारे इन 24 मांगों पर निराकरण नहीं होता एनसीएल अपनी कार्रवाई को रोक दे। प्रशासन से गुजारिश है कि इस पर कार्रवाई करे और उसके बाद नापी करवाए, आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाए। इन सब चीजों में सहमति एक होनी बहुत जरूरी है। सिंगरौली में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी
फंसे हुए हैं और व्यापारियों का ही सबसे ज्यादा नुकसान भी होना है। अब इतने बड़े आम सभा में आप सोचिए कि व्यापारी वर्ग का कितना सहयोग है। यदि सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग लड़ाई में कमजोर पड़ेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है और जैसा चाचा जी ने आदेश भी किया है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें संरक्षण भी मिला हुआ है और हम सक्षम हैं कि हम इस कार्रवाई को रोक सकें। इसलिए गुजारिश है कि कल की कार्रवाई को पुरजोर विरोध करें और इसको रुकवाने का कष्ट। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी भैया, हमारे विस्थापन पुनर्वास मंच के वरिष्ठ श्री संजय प्रताप सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनके भी राय को जानना चाहेंगे। आप हमें धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इनका जो कार्यक्रम है लाइव चल रहा है, यहाँ का टोटल कार्यक्रम लाइव चल रहा है और मैं अभी 8 घंटे का जर्नी करके सीधे यहाँ आए हूँ, अभी घर नहीं गया, तो मैं इस बीच में थोड़ा सा कहीं पर सिग्नल टूटा तो नहीं देख पाए, नहीं तो जब से बंटी बाबू बोल रहे थे उसके बाद भारती जी ने बोला, एक एक करके मैंने सबको सुना है और सारी बातें मुझे किसने क्या बोला। मैं सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना अच्छा टेलीकास्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप में ये एक बढ़िया बढ़िया लोग अच्छे अच्छे फंक्शन को टेलीकास्ट नहीं कर पाते, इसलिए बोल खोल का सुनील बाबू का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी बात ये है कि आज अभी जो स्थिति है, अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगे वाली बात हो जाएगी। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे तो एकदम से अलार्मिंग पोजिशन पर इकट्ठा हुए हैं। एनसीएल ने अपना कूटनीति का पहला चाल चल दिया है और वो 1 तारीख से नापी का जो फरमान जारी किया और सिंगरौली पुनर्वास मंच के थ्रू और सब कुछ मिलजुल के सभी यंग और कहते बुजुर्ग और तजुर्बे और सब तरीके से लोगों ने मिलके 24 सूत्री मांग जो जनता ने यहाँ का तैयार किया उसको नजरअंदाज करते हुए, उनको गन्ना पत्र दिया गया उसको भी नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सीधा ये कह दिया कि मैंने मुझे कोई परवाह नहीं है, आपका कुछ भी हो आप जाओ, आपका नापी होगा, नापी हमको समझ के जो आएगा वो, जो आपने बोला था ना कि वो नापी करते हैं तो सादे रजिस्टर में एंट्री करते हैं और सादे रजिस्टर में करके जब वहां जब ले जाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे वो आपको पता ही नहीं, ठीक है ना, सुने आपका बात ना। हाँ, मेढौली का दर्द आपने बताया था और वो क्या एंट्री करके फिर क्या ही करेंगे, आपको सिर्फ एक कागज आएगा जिसमें कि आपका अमाउंट लिखा रहेगा कि आपका मुआवजा अगर 50 लाख बन रहा होगा तो 5 लाख या 10 लाख कुछ लिख दिया जाएगा, ये हो गया। और उसमें ये भी लिखेगा कि मात्र नोटिस पा लेना आपका मुआवजा पाने का अधिकार नहीं रखता है, ये भी संत नीचे लिखा रहेगा, यानी कि वो नोटिस भी आपके लिए बहुत, उनके लिए कोई बाधक नहीं है, आपके लिए बाधक हो गया कि आपसे तो मुआवजा का नोटिस आपको मिल गया, आप समझे कैसे नहीं, ठीक है। अब आप अगर उसमें आनाकानी किए तो आपका पैसा उठा के ट्रिब्यूनल में जमा कर देगा और कल होके सरकार है कुछ भी कर सकते हैं, देश का मतलब अर्जेंसी दिखा के कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये नौबत आने क्यों दिया जाए, ये नौबत आने क्यों दिया जाए। आज जब हम लोग सक्षम है, आज जो हम लोग इसी समय पर इस चीज को संभाल सकते हैं तो हम लोग अभी बात क्यों नहीं करें। हम लोग को एक चीज भी आउट ऑफ कानून नहीं चाहिए, जो कानून के अंतर्गत चीज है उसी चीजों को दो। एनसीएल का जो अपना गन्ना पत्र है वो अपने आप पे इतना कंफ्यूजिंग है कि खुद एनसीएल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। वो लोग अपने गन्ना पत्र को हम लोग के गन्ना पत्र के सामने बैठ कर डिस्कस ही नहीं करना चाहते। भाई क्या दिक्कत है, आप हम लोगों को विस्थापित कर रहे हो, हमारा जो गन्ना पत्र रहे हो तो आप हमको बताओगे नहीं क्या। अब लार के एक्ट के हिसाब से उसमें दिया हुआ है कि शेड्यूल 1 में जो उनका लार का फर्स्ट शेड्यूल है उसके हिसाब से 8 पॉइंट दिया हुआ है। 8 में 1 नंबर जो पॉइंट है उसमें यह दिया हुआ है कि कहते हैं भूमि की गन्ना कीमत, लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड। अब जब कॉस्ट ऑफ लैंड दिया हुआ है तो उसी बीच में कॉस्ट ऑफ लैंड में 3 चीज आता है,
उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड का जो सेक्शन 3P है वो बोलता है लार का कि भूमि का जो शब्द जहां भी लिखा रहेगा उसका मतलब भूमि और उससे जकड़ी संपत्ति जितना भी माने क्या बोलते हैं इमोबाइल प्रॉपर्टी है जो ये है जो हाँ फिक्स प्रॉपर्टी है वो सब उसके साथ अटैच जो है यानी कि बिल्डिंग हो कोई भी चीज हो वो उसका पार्ट है। लेकिन NCL छलावे से उसको अलग कर दे रही है, वहां पे उस कॉस्ट को नहीं डाल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड तो डाल रहा है लेकिन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वहां नहीं डाल रहा है। अब उसी में लिखा हुआ है सेक्शन 330(3) में कि इस पर 12% पर प्रतिवर्ष आपको उसका दर लाने के लिए उसको ब्याज माने उसको ब्याज नहीं है सॉरी ब्याज नहीं है उसकी कीमत को मतलब उस लेवल पर लाने के लिए मान लीजिए कि 2010 में आपका अधिग्रहण हुआ और 2015 में आप उसको उसका कैलकुलेशन शीट बना रहे हो तो 2015 में बना रहे हो तो उसका रेट वही नहीं ना होगा जो 2010 का होगा। तो उसको उस जगह पर लाने के लिए उसका एक नियम बना दिया गया है कि उसको प्रतिवर्ष मूल्य वृद्धि प्रतिवर्ष उसका मूल्य वृद्धि जो है एस्केलेशन बोलते हैं तो वो उतना 12% हर साल ऐड हो जाएगा। अब 12% हर साल ऐड करने का सरकार ने चाहता तो दे देता नेशनल इंडेक्स से कर लीजिए लेकिन उसने कहा नहीं एक सिस्टमेटिक ये कर दीजिए कि 12% हर साल जोड़ना है मतलब मूल्य वृद्धि है तो वो क्या है उसका मूल्य है। वंस इट इज कॉस्ट इट इज द पार्ट ऑफ पार्ट वन उसका मतलब कि उसका भी कीमत वही लिखना चाहिए जहां पर कि आप बिल्डिंग का कीमत लिख रहे हैं। इसलिए हमने जो गन्ना पत्र बनाया है सबके बीच में सर्कुलेट कर दिया है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो हमसे आके पर्सनली समझ लेगा मैं आराम से समय देने के लिए तैयार हूं थोड़ा सा अपना आगे पीछे देखकर। अब वो तीनों चीज को जब जोड़ देंगे तो वो मेरा सोलेशियम का पार्ट हो जाएगा तो जो 12% आपको मिलेगा वो 12% तो मिलेगा ही और उसके ऊपर जब सोलेशियम मिलेगा तो उसका उस 12% के ऊपर भी 100% मिलना है वो भी सोलेशियम का पार्ट है यानी कि 12×24 और ये प्योर इसका छलावा कर रहे हैं। पूरे आपका सिंगरौली में हर जगह जितना भी विस्थापन हो रहा है सब में 12% दिया जा रहा है सिर्फ NCL नहीं दे रही है और कलेक्टर साहब अपने मुआवजा में दे रहे हैं और CMD साहब अपने मुआवजा में नहीं दे रहे हैं। तो पहले तो भाई दोनों आपस में क्लियर कर लीजिए सही कौन है। हो सकता है कि हम लोग गलत हो लेकिन इन दोनों में से तो कोई एक आदमी गलत हो तो हमारा ये कहना है कि भाई गलत और सही जो भी करना है आप पहले तय कर लो उसके बाद घर में घुसो। आप पहले घर में घुसने के लिए तैयार हो और कह रहे हो कि नहीं उसका हम कोई काम करेंगे नहीं उसकी बात करेंगे नहीं तो ये अन्याय है। NCL ने इन सब चीजों के बाद सीधा ये चीज किया है ये सिंगरौली की जनता को चिढ़ाने का काम किया है। उन्होंने इंस्टिगेट किया है यहां के लोगों को आंदोलन के लिए मतलब उसकाया है। ये कैसे हो सकता है कि आप कोई भी चीज करो आप कोई भी चीज करो और उसका आप उसको बताओ भी नहीं उसको समझाओ भी नहीं और आप उसी पैटर्न पर करते चले जाओ जो मन में आए वो दे दो कहो कि लीजिए लीजिए और जाइए लेना है तो लीजिए नहीं लेना है तो जाइए। आज कोई 40 साल कोई 50 साल कोई 60 साल से बसा हुआ लोग इतने सालों से बसे हुए लोग हैं और आप एक मिनट में फरमान जारी कर देते हो आप बैठ के बात करने के लिए तक तैयार नहीं हो ये कहां का न्याय है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना है। बेसिक बात यही है टेक्निकल बात तो जो भी करेंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं लेकिन टेक्निकल बात करने तो आओ अगर आप आएंगे तो हो जाएगा बस ठीक है। और इसी के साथ आप लोग सबको आगे का आइडिया मिल चुका है हमारी बातें यहाँ समाप्त है। भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो NCL को रोड मैप बनाना पड़ेगा और ब्लू प्रिंट पर काम करना पड़ेगा और बैठकर सार्वजनिक सब लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसे विस्थापन होगा सिंगरौली का। तो बने रहे ऐसी खबरों को देखने के लिए पोल पोल को उसके साथ में धन्यवाद।